hello everyone welcome and uh, from today we are starting this free course for himachal administrative services because this is a course for himachal administrative services i suppose i will be allowed to be bilingual thoda english thoda hindi use kar lenge, right and in case anybody from any uh, states from the south of india or from east of india or anyone who is not comfortable me speaking in hindi

ड्यू टू दिस पेंडेमिक टाइम बहुत सारे मैसेज आए थे सर इस बार हेल्प कर दो तो एक बहुत ही सिंपल सा इनिशिएटिव है और इसके लिए कोई ऐसा नहीं सोचा हुआ कि हम बड़े महान हैं कोई बहुत ही ऐसा कुछ है बहुत सिंपल से साधारण से लोग हैं बस हाँ एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं लास्ट ईयर पोलिटिकल साइंस का कोर्स फ्री किया था इस बार आपके लिए हिमाचल का कोर्स फ्री कर रहे हैं जब मैंने हिमाचल के पुराने पेपर देखे प्रीवियस पेपर्स देखे तो जो हिस्ट्री है पॉलिटी है इकोनॉमी है, है ज्योग्राफी है, है, है वो काफी टेक्निकली उसको काफी ज्यादा इंट्रीकेटली पढ़ना पड़ता है और वो बुलोक्चा सर की जो बड़ी सी बुक है उसको अच्छे से पढ़ना पड़ता है सो तो हमने अपनी टीम को उस कंपोनेंट को बढ़िया से तैयार करने के लिए बोला है और वो भी हम आपको उस लेवल पे कराएंगे जिस लेवल पे आपको अपने पेपर में बैठकर कोई भी प्रॉब्लम ना आए इस सीरीज में हम आपको प्री के लिए सारे कंपोनेंट्स फ्री करवाएंगे करंट अफेयर्स भी होंगे टेस्ट भी होंगे जो आपको नोट्स भी पीडीएफ में मिलेंगे एंड एवरीथिंग विल बी कॉम्प्लीमेंट्री कोई चार्जेस कोई हिडन कॉस्ट नहीं होगा राइट right? पूरे हिमाचल के लिए यह कोर्स बिल्कुल फ्री रहेगा और ये कोर्स हम यूट्यूब से रिमूव भी नहीं करेंगे अनलाइक दो अदर uh, इंस्टीट्यूशन जो कभी कभार कुछ कोर्सेज फ्री चला देते हैं और बाद में उनको रिमूव कर देते हैं वी विल नॉट बी रिमूविंग दिस कोर्स एवर ताकि अगर बाद में भी किसी ने इस कोर्स को देखना हो तो वो यूट्यूब पे इसको देखते रहे राइट right? टेस्ट भी आपको जो मिलेंगे उसके लिए आपको कैसे एक्सेस करना है क्या करना है प्लीज सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल इसको आप सब्सक्राइब कर लो राज मल्होत्रा आई को और साथ में हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है अभी मेरी टीम उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी यहाँ पे नीचे आ, चैट में शेयर कर देंगे आप वो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो अदरवाइज बहुत सिंपल है टेलीग्राम, तो टेलीग्राम, टेलीग्राम नोट्स या जो भी हिमाचल रिलेटेड चीजें होंगी आपको वहीं पर प्रोवाइड करते रहेंगे राइट सो नाउ वेस्टिंग नो मोर टाइम लेट स्टार्ट द प्रोसेस सो हेर वी आर आज हम आपके साथ जो स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्पोनेट वो है इंडियन पॉलिटी राइट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अब हम सबको पता है कि एक तो लक्ष्मीकांत सर की बुक है वो तो बाइबल है उसके बिना तो गुजारा ही नहीं होता तो वो तो हम सब पढ़ते ही रहते हैं बट इतनी लेंथी बुक है हजार पेज के आसपास की तो चीजें भी बहुत सारी इंट्रीकेटली उसमें बताई गई हैं उनको याद भी करना है समझना भी है राइट right? और फिर एनसीआरटी की बुक्स भी हैं तो उनमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए होती हैं और कभी कभार पेपर में एक दो क्वेश्चन हो जाते हैं उनको अंडरस्टैंड करना जरूरी हो जाता है राइट तो अब हम क्या करेंगे चीजों को अच्छे से समझेंगे जो मेरा कंटेंट है यहां पे वो तो सिर्फ इंग्लिश में रहेगा बिकॉज अदरवाइज भी हम इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाते हैं लेकिन हिमाचल बैच में हम हिंदी में साथ साथ समझाते जाएंगे लेकिन हमारे पास नोट्स और टेस्ट सिर्फ इंग्लिश में है उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूंगा वो मैं अभी हिंदी में अरेंज नहीं कर पाऊंगा बट ये प्रॉमिस है कोशिश पूरी रहेगी कि मैं हिंदी में आपको टेस्ट और नोट्स भी प्रोवाइड करूं लेकिन उसका वादा नहीं है कोशिश है इंग्लिश में टेस्ट और नोट्स आपको हंड्रेड परसेंट मिलेंगे दैट्स अ प्रॉमिस ऑल राइट नो लेट स्टार्ट विद कॉन्स्टिट्यूशन और सबसे पहले अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करें तो ऑब्वियसली उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से स्टार्ट करेंगे अब जब मैं आपको इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कराऊंगा यही नोट्स मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा वंस क्लास इज ओवर टेलीग्राम ग्रुप में यही नोट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा लेकिन यहां पर मैं नोट्स को थोड़ा सा एडिशनल एक्सप्लेन भी करूंगा थोड़ा एडिशनल एक्सप्लेनेशन जो होगा वो मैं ये चाहूंगा कि आप लोग साथ साथ अपने नोट्स बना लीजिए राइट वंस यू स्टार्ट मेकिंग यूर नोट्स आपको रिवाइज करना ईजी हो जाएगा फिर हम आपके टेस्ट ले लेंगे और आपको अपनी भी पता चल जाएगी राइट सो लेट स्टार्ट विथ

अब आए तो वो ट्रेड करने थे बट देन इंडिया में दो तरह की सूरतें बनी देर वर टू टाइप ऑफ सिचुएशन दैट डेवलप्ड एक तो ये था कि उनको अपने ही यूरोपियन लोगों के साथ बाकी यूरोपियन देश जैसे कि फ्रांस भी था और पोर्चुगीज भी थे डच भी थे डेंस भी थे उनके साथ भी कंपीट करना पड़ रहा है सो so, ब्रिटिश को अपनी पोजीशन को स्ट्रांग करने के लिए खुद को मिलिटेरिली स्ट्रांग करना है साथ के साथ इंडिया में जो रूलिंग क्लास है उनके साथ भी उनको नेगोशिएट करना है उसके लिए भी उनको अपनी पावर स्ट्रॉन्ग करनी है एट द सेम टाइम इंडिया में एक ऐसे डेवलप हुए कि मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया द मुगल एम्पायर स्टार्टेड क्रम्बलिंग इट स्टार्टेड टू डिक्लाइन जब औरंगजेब की 1707 में डेथ हुई तो 1707 औरंगजेब की डेथ के बाद मुगल एम्पायर का डिक्लाइन स्टार्ट हो गया इस डिक्लाइन से क्या हुआ इस डिक्लाइन से ऑल ऑफ अ सडन इंडिया में पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो गया पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन मींस अब अवध अपने आप को इंडिपेंडेंट करने की कोशिश कर रहा है जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद हैं वो ऑटोनमस होते जा रहे हैं जो बंगाल में कुली खान हैं वो अपने आप को आज़ाद कर रहे हैं सिखों ने रिवोल्ट कर दिए राइट इस पूरी सिचुएशन में इंडिया में कोई एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल पावर नहीं बचा अब ये ब्रिटिश को मौका दे रहा था कि वो अपने आप को यहाँ पर पॉलिटिकली स्ट्रांग कर ले और वो स्ट्रांग क्यों करना चाहते हैं ताकि वो इंडिया में डिसीजन मेकर बन जाएं, वो डिसाइड करें कि, कि किस तरह से इंडिया की इकोनॉमी को हैंडल किया जाए तभी उनका व्यापार जो था वो और ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा राइट अब इन दो सर्कमस्टांसिस के चलते हुए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडियन पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस स्टार्ट कर दिया कर्नाटिक वॉर्स जो थे वो कर्नाटिक वॉर्स ने तो ब्रिटिश और फ्रेंच की लड़ाई में ब्रिटिश को विक्टोरियस विक्टोरियामर्ज करवा दिया लेकिन प्लासी और बक्सर ने उसी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में पॉलिटिकली एक इंपॉर्टेंट प्लेस पे लाके खड़ा कर दिया अब प्रॉब्लम क्या हुई कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड से इंडिया व्यापार करने आई है इंग्लैंड की सरकार ने उसे सिर्फ व्यापार करने के लिए भेजा है दे हैव बीन सेंट ओनली एंड ओनली फॉर ट्रेड बट यहां आकर उस ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने करेक्टर को चेंज कर दिया फ्रॉम सिंपली अ मर्चेंट ट्रेडर बॉडी वो इंडिया में एक एडमिनिस्ट्रेटिव वो स्ट्रक्चर में अपने आप को कन्वर्ट कर गए दे बिकेम पोलिटिकल पावर मिलिट्री पावर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर अब बैक एट बैक इन इंग्लैंड इंग्लैंड में पार्लियामेंट में शोर मच गया कि भाई जिस ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत व्यापार करने के लिए भेजा था हुम वी सेंट देयर टू ट्रेड वो तो पॉलिटिकल पावर बन गई उसके पास तो फौज तैयार हो गई अब उसको रेगुलेट करना पड़ेगा ऐसा नहीं चल सकता कि वो अपनी मनमर्जी से भारत में कुछ भी करती रहे तो थोड़ा सा उसको रेगुलेट करो एक इंग्लैंड की कंपनी है तो इंग्लैंड की सरकार का ये दायित्व है ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस ईस्ट इंडिया कंपनी पे थोड़ा सा लगाम लगाया जाए अब वो रेगुलेट करने के लिए इन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट पास किया सेवनटीन में थोड़ा सा हिस्टोरिकली अगर इसको और समझ लें तो प्लासी की लड़ाई खत्म हुई 1757 में बक्सर की 1764 में बक्सर की लड़ाई के बाद 1765 में ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद साइन हुई थी और उस ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद में जो उस समय के मुगल एम्पर थे वो कौन थे शाह आलम सेकंड शाह आलम सेकंड ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल बिहार उड़ीसा में दीवान लगाया था अब कंपनी बन गई दीवान दीवान कौन होता है जो लगान इकट्ठा करता है राइट द रेवेन्यू हैड अब अगर ईस्ट इंडिया कंपनी लगान इकट्ठा करती है तो ईस्ट इंडिया कंपनी नई-नई पॉलिसीज बनाती है जो नई पॉलिसीज ईस्ट इंडिया कंपनी बनाती है वो क्या सोच के बना रही है कि हमें मुनाफा होना चाहिए भारत का किसान का नुकसान हो तो हो हमारी भला से उनको इस चीज से कोई मतलब नहीं है ना कि किसान का नुकसान ना हो भारत को फायदा हो उनको सिर्फ और सिर्फ मकसद क्या है कि हमें फायदा होना चाहिए अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सप्लोइटेटिव पॉलिसीज बनाएगी तो हमारे किसान थोड़ा विद्रोह तो करेंगे अब बेचारे क्या ही विद्रोह करेंगे गरीब हैं पिछड़े हुए हैं राइट तो वो जो थोड़ा बहुत विद्रोह करेंगे वो जमींदारों के खिलाफ अपने ही लोगों के खिलाफ करेंगे पर ईस्ट इंडिया कंपनी उनका दमन कर देगी ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी फौज यूज़ करेगी और हमारे रिवोर्ट्स को क्रश करेगी किसान किसानी छोड़ के खेती छोड़ के विद्रोह कर रहे हैं लड़ाइया लड़ रहे हैं तो उस कारण से फसलें भी पूरी पैदा नहीं होंगी अच्छे प्रकार का प्रशासन चलाना नहीं आता दे आर नॉट एडमिनिस्ट्रेटर्स अब इंग्लैंड में बात यह हुई पार्लियामेंट में कि भाई ये व्यापारी लोग हैं भारत व्यापार करने गए थे चलो कैसे भी हुआ एक्सीडेंटली हुआ जो भी हुआ इन लोगों को पॉलिटिकल पावर मिल गई अब जब पॉलिटिकल पावर मिली है इनको तो वो यूज करनी आती नहीं है क्योंकि इनको यूज करनी नहीं आती तो इसलिए भारत में हाहाकार मच गया वहां पे अकाल पड़ गया वहां पे दंगे हो गए हैं विद्रोह हो गए हैं अब इससे नाम किसका बदनाम है इंग्लैंड का तो इंग्लैंड की सरकार को इस कंपनी को अब संचालित करने में मदद करनी होगी इसके लिए रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया सेवनटीन में जब तक ये रेगुलेटिंग एक्ट पास नहीं हुआ था तब तक के लिए भारत में जो स्थिति थी वो कुछ इस तरह की स्थिति थी कि भारत में अंग्रेजों ने धीरे धीरे तीन केंद्र बना लिए थे थ्री सेंटर्स ऑफ पावर एक बंगाल बना था एक मद्रास बन गया था जहाँ पे ये प्रेसिडेंसीज डेवलप कर रहे थे और एक बॉम्बे बन गया था राइट तीनों प्रेसिडेंसीज बंगाल बॉम्बे एंड मद्रास तीनों में एक एक गवर्नर हुआ करता था तीनों गवर्नर्स का एक बराबर स्टेटस था तीनों गवर्नर्स की एक जैसी पावर्स थी राइट right? अब इंग्लैंड से अगर कोई भी डायरेक्शन भेजना है कोई भी आदेश आना है वो तीनों के लिए अलग अलग आएगा राइट right? और तीनों अपनी मर्जी से उसके ऊपर काम करेंगे अब पार्लियामेंट बोलता है रेगुलेटिंग एक्ट पास करते हुए कि आवश्यकता आन पड़ी है कि यहां पर थोड़ा सा सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कर दिया जाए सेंट्रलाइजेशन करने से हम किसी एक को डायरेक्शन देंगे जैसे कि इन्होंने बंगाल के गवर्नर को पावरफुल कर दिया गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया कि भाई ऐसा है, आज से सारी शक्ति हम तुझे दे रहे हैं तू इन दोनों को कंट्रोल कर लेना हम तेरे से पूछेंगे अगर इन दोनों ने गलती की राइट सो so, केंद्रीकरण करते हुए शक्ति का भारत में सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर करते हुए रेगुलेटिंग एक्ट में पहला निर्णय ये लिया गया कि तीन गवर्नर्स की बजाय दो तो गवर्नर रहेंगे पर बंगाल का जो गवर्नर था आज से वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनेगा तो ये पहला इंसान था वॉरन हेस्टिंग्स जिसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया राइट आज से ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है और बॉम्बे का और मद्रास का गवर्नर इसको सबॉर्डिनेट कर दिया गया कि वो इससे मशवरा करके इसकी अनुमति लेकर अपने काम करेंगे सब कामों में नहीं ये भी याद रखना है हर काम के लिए नहीं लेकिन फॉर परपज ऑफ वॉर एंड पीस यानी कि आज के बाद अगर भारत में आपने किसी के साथ लड़ाई शुरू करनी है या चलती हुई लड़ाई को रोकना है तो बॉम्बे या मद्रास के गवर्नर खुद वो फैसला नहीं लेंगे वो बंगाल के गवर्नर जनरल से परमिशन लेके ये काम करेंगे ये पहला डिसीजन लिया गया राइट right? तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में क्या क्या काम हुआ अब इसको समझ लें एक बार सबसे पहले गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया राइट गवर्नर ऑफ बंगाल बिकेम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और पहले जो गवर्नर जनरल बना वो बना वॉरन हेस्टिंग्स अब इसके साथ एक काम और किया गया वो क्या था एक आदमी को सारी पावर देने की बजाय कि जैसे वो कहते हैं ना इंग्लैंड के लोग तो पहले से ही इनलाइटनमेंट के टाइम से पढ़ते आ रहे थे पावर करप्ट सो एब्सोल्यूट पावर करप्टोल्यूटली तो एक आदमी को इतनी शक्ति तो नहीं दे देनी चाहिए So, इन्होंने बोला कि जो गवर्नर जनरल होगा उसको हम बोलेंगे गवर्नर जनरल इन काउंसिल गवर्नर जनरल इन काउंसिल मीन्स गवर्नर जनरल अकेला कोई फैसला नहीं लेगा वो अपने काउंसिल के साथ कंसल्ट करेगा और फिर कंसेंसस बेसिस पे डिसीजन लिया जाएगा जैसा ना हम ये बोलें द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और फिर हम पॉलिटी में आगे जाकर क्या पढ़ेंगे कि अगर प्राइम तो मिनिस्टर तो पूरे काउंसिल के थ्रू अप्रूवल करके मुझे भेजो तो फिर प्राइम मिनिस्टर को अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ बैठ के उसका अप्रूवल लेके दोबारा से प्रेसिडेंट साहब को देना पड़ेगा अगर उनसे कोई काम करवाना है ऐसे ही गवर्नर जनरल अकेले से नहीं काम करेंगे गवर्नर जनरल इन होंगे, और इस एक्ट एक्ट ने रेगुलेटिंग ने गवर्नर जनरल के काउंसिल में चार मेंबर ऐड किए, वर फोर मेंबर्स, ये चार मेंबर कौन थे एक थे सर जॉन क्लेवरिंग दूसरे थे फिलिप फ्रांसिस तीसरे थे जॉर्ज मॉनसन और चौथे थे रिचर्ड बैरवेल अब ना एच के पेपर में Usually, वो इतना इन डेप्थ जाकर नहीं पूछते अभी मैं आपको पिछले तीन सालों के पेपर के एनालिसिस भी दूंगा कि किस तरह के सवाल इन टॉपिक्स पे आए हैं बट लिविंग नो कॉम्प्रो लाइक कॉम्प्रोमाइजिंग नॉट विद द क्वालिटी अगर बाई चांस कोई थोड़ा टफ क्वेश्चन भी आए तो हम इस कोर्स में आपके लिए वो भी साथ के साथ कवर कर देंगे राइट right? तो चार लोग जो थे उनके नाम भी मैंने आपको यहां दे दिए सर जॉन क्लेवरिंग है फिलिप फ्रांसिस है जॉर्ज मोनसोन है और रिचर्ड बैरवेल हैं ये चार काउंसलर मिल गए अब सिचुएशन क्या है कि ऑल द विल बी टेकन बाय नॉट गवर्नर जनरल नॉट बाय गवर्नर जनरल बट बाय गवर्नर जनरल इन काउंसिल तो जब भी कोई फैसला लेना है गवर्नर जनरल और उनके चार काउंसलर साथ बैठेंगे पांच लोग बैठ गए अब इन पांच में से तीन का मानना जरूरी हो गया अगर किसी डिसीजन पे तीन मानते हैं तभी मेजोरिटी होगी ना अब गवर्नर जनरल अकेले मान जाए और एटलीस्ट दो मेंबर और माने इन चार में से तो कोई फैसला होगा राइट तो अभी गवर्नर जनरल के पास अपनी कोई खास पावर नहीं है वो डिपेंड करते हैं ऑन द सपोर्ट ऑफ काउंसलर्स और इससे एक चीज और साफ हो गई वो क्या साफ हुई कि रेगुलेटिंग एक्ट ने गवर्नर जनरल जो बंगाल के बने थे वॉरन हेस्टिंग उनको वीटो पावर नहीं दी थी कि वो कोई भी फैसला लें ऐसी कोई पावर उनके पास नहीं थी ही पार डन सो पहली चीज हो गई गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया वॉरन हेस्टिंग को और साथ में उनको चार दिए गए और उनको वीटो पावर नहीं मिली अब दूसरी चीज दूसरी चीज क्या हुई बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर्स थे देवर सबॉर्डिनेटेड टू बंगाल जो मैंने अभी समझाया था देवर सबॉर्डिनेटेड टू बंगाल फॉर वॉर एंड पीस परपज कि अगर लड़ाई लड़नी है या नहीं लड़नी या चलती हुई लड़ाई को रोकना है यह फैसला आज के बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल करेंगे थ्रू हिज काउंसिल नॉट इंडिपेंडेंटली और इंडिविजुअली दो चीजें हो गई एक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गए साथ में उनको चार काउंसिलर मिल गए दूसरा बॉम्बे और मद्रास को सबऑर्डिनेट टू बंगाल किया गया तीसरी चीज कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट का गठन कर दिया गया एक्ट 1773 का है लेकिन सुप्रीम कोर्ट 1774 में बनी है व्हिच एक्ट प्रोवाइडेड फॉर सुप्रीम कोर्ट रेगुलेटिंग एक्ट व्हेन वाज सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिशड 1774 राइट right? तो दो तरह के सवाल जो आए जरूरी नहीं होता कि हर सवाल का सेम जवाब हो इस चीज का थोड़ा प्री में ध्यान रखना है और जब आप इतने ध्यान से पढ़ लो इतने ध्यान से समझ लो तो आपका प्री पक्का क्लियर होता है हम कई बार ना सिर्फ चीजों को जल्दी से पढ़ते हैं जल्दी से पढ़ा देते हैं जल्दी से बता देते हैं लेकिन कहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना है अगर वही नहीं पता चला तो उस चक्कर में कई लोगों का प्री जो है फिर वो रुक जाता है राइट सो so, बॉम्बे और मद्रास को सवार करने के बाद सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया इस सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस कौन थे इलिजा एम एम्पे वो पहले चीफ जस्टिस बने लॉर्ड इजला एम्पे और इनके साथ तीन दूसरे जजिस भी थे थ्री, और थ्री अदर वो तीन कौन थे, स्टीफन सीजर थे, स्टीफन सीजर, थे और बट आई होप यू विल अंडरस्टैंड की अगर कहीं बाई चांस थोड़ा टफ कोई क्वेश्चन आ गया तो आपको उससे फायदा ही होगा नुकसान नहीं होगा राइट right? आई होप अप टू दिस पॉइंट एवरीथिंग इज क्लियर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप लोगों को मैं बताऊंगा कि हम आपके डाउट कैसे लेंगे आपको हेल्प कैसे करेंगे ऐसा नहीं है कि फ्री का कोर्स है भाई तो बस ऐसे ही चला दिया पढ़ाएंगे भी test भी टेस्ट लेंगे नोट्स भी देंगे डाउट सेशन भी रखेंगे नथिंग नो कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी ऑफ द कंटेंट और डिलीवरी एंड नो कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी ऑफ आवर लेक्चर्स फॉर यू ऑल राइट

कंपनी के इंप्लॉइज का प्राइवेट ट्रेड जो था उसको अब रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया या प्रोहिबिट कर दिया गया सबसे पहले स्टूडेंट के दिमाग में सवाल यह उठता है कि प्राइवेट ट्रेड क्या होता है और उसको प्रोहिबिट क्यों किया गया सो so, एक बार अब इसको समझ लेते हैं कि प्राइवेट ट्रेड क्या था देखो ईस्ट इंडिया कंपनी को इंग्लैंड के क्राउन ने महारानी एलिजाबेथ ने 1600 में मनोपली राइट right दिया था कि आप इंडिया जाओ और इंडिया से जाकर कुछ भी खरीद के लाओ और इंग्लैंड में बेच दो इंग्लैंड से और कोई दूसरी कंपनी या दूसरा आदमी इंडिया नहीं जाएगा सही अब ईस्ट इंडिया कंपनी को ये राइट मिला है एज एन ऑर्गेनाइजेशन ऐसा मानो कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आती है और इंडिया से वो कॉटन टेक्सटाइल खरीदती है कपड़ा खरीदती है राइट कॉटन टेक्सटाइल या स्पाइसिस खरीदती है अब इसको थोड़ा सा इजी कर लेते हैं थोड़ा मॉडर्नाइज वे में ताकि आप समझ जाओ तो भारत में जो उस टाइम पे मुगल बादशाह हुआ करते थे जब ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में आई है तब तो अकबर महाराज जो है वो राज कर रहे हैं तो ऐसा मानते हैं अकबर साहब के टाइम पे इंडिया में जीएसटी होता था ठीक है तो अकबर साहब ने बोला भाई तुम्हारी महारानी ने तुम्हें जो भी परमिशन दी है नहीं दी मेरे मेरे को को नहीं फर्क पड़ता लेकिन आपको मेरे को 18% GST तो देनी पड़ेगी ना अगर आप भारत में व्यापार करोगे जो मेरा टैक्स तो, मेरा मेरा तो पे करना ही पड़ता था फिर इन लोगों ने धीरे धीरे जब मुगल एम्पर वीक हुए उनको किसी तरह से अपने साथ जोड़ना शुरू किया और 1717 में जब भारत में फारूख सियार साहब मुगल एम्पर बने फारूख सियार तो उस टाइम पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने ड्यूटी फ्री ट्रेड के लिए परमिशन ले ली ड्यूटी फ्री ट्रेड अब जब ड्यूटी फ्री ट्रेड की बात हुई दैट मींस कि अब जो जीएसटी है अब मैं मान के चल रहा हूं कि आप इस बात को समझ रहे हो कि उस टाइम पे कोई जीएसटी नहीं था ये सिर्फ मैं एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आप समझ पाओ राइट तो जो जीएसटी भारत में था लेट से वही कॉटन टेक्सटाइल की बात चल रही है तो भारत में जो भी इंसान कॉटन टेक्सटाइल का ट्रेड करता था उसको 18 जीएसटी देना पड़ता था लेकिन फारूक साहब ने क्या डील कर ली कि आप मेरे को वन टाइम एनुअल पेमेंट कर दो एनुअल पेमेंट एक बार कर दो सालाना कुछ एक अमाउंट फिक्स कर लेते हैं दो हजार तीन हजार पांच हजार दस हजार कुछ भी फिक्स कर दो वैसे तीन हजार फिक्स हुआ था उस जमाने में तो आप एक बार मुझे पैसा दो उसके बाद आपको कोई जीएसटी पे नहीं करना यानी कि कोई टैक्स पे नहीं करना अब जब इनको परमिशन मिल गई कि आपको कोई टैक्स पे नहीं करना तो भारत में कई जगह घूमना है कई जगह से सामान खरीदना है कहीं कहीं जगह से निकलना है तो उसके लिए इनको दस्तक जारी किया गया दस्तक क्या था दस्तक था ड्यूटी फ्री पास ड्यूटी फ्री पास यानी कि जब मैं एस ब्रिटिश मर्चेंट सामान लेके जा रहा हूं कहीं पे नाका लगा हुआ है चुंगी लगी हुई है कोई कलेक्शन हो रहा है एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट हो रही है कुछ भी जो कलेक्ट हो रहा है वो मुझे रोकते थे हां जी भाई दिखाओ कितना कितना सामान है है बिल आपका कितना टैक्स पे हुआ दिखाओ तो मैं उनको दस्तक दिखाता था भाई साहब आपके मुगल बादशाह ने मेरे को ड्यूटी फ्री ट्रेड की परमिशन दे दी है मेरे से मत टैक्स मांगा करो अब ये ड्यूटी फ्री ट्रेड जो है दस्तक ये किसको मिला था ईस्ट इंडिया कंपनी को राइट अब ईस्ट इंडिया कंपनी के मुलाजिम है यहाँ पे सर्वेंट्स हैं बहुत सारे और भाई सारे लोग करप्ट भी होते हैं है ना तो ये करप्ट लोगों ने क्या किया कि ऐसा मान लो कि हमने ना 100 पैकेट कपड़े के लिए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पे और 100 पैकेट हमने अपने नाम पे ले लिए करप्ट लोगों ने तो 200 पैकेट हो गए ना हमारे पास तो इन 100 पैकेट पे तो टैक्स नहीं लगना चाहिए बट इन 100 पैकेट्स पे तो टैक्स लगना चाहिए ना पर ये क्या करते हैं ये इन सौ पैकेट पे भी टैक्स नहीं देते एक बड़ा पैकेट बना के उसमें 200 पैकेट डाल देते हैं बड़े बंडल में 200 पैकेट डाल दिए और दस्तक दिखा के सामान निकाल दिया अब जो ये 100 पैकेट इंग्लैंड गए हैं ये इंग्लैंड जाके उस देश में अलग से लोगों ने आप बेच दिए अपना मुनाफा कमाने के लिए भारत के साथ तो गदारी हो गई भारत को तो टैक्स की चोरी हो गई लेकिन इंग्लैंड में भी तो नुकसान हुआ ना जहां कंपनी सिर्फ सौ पैकेट लेके आती वहाँ पे 200 पैकेट पहुंच गए तो इस करप्शन को रोकने की बात कर रहे हैं कि आगे इंपैक्ट पड़ेगा इसीलिए कॉर्न वॉलिस बढ़ाओ यार लोगों की सैलरी बढ़ानी पड़ेगी अगर आप सैलरीज नहीं बढ़ाओगे तो फिर इतने अपने देश से दूर आके कोई दिल से काम ही नहीं करेगा राइट इसीलिए करप्शन और बढ़ेगा जब ये प्राइवेट ट्रेड बंद करेंगे ना फिर दूसरे तरीके से करप्शन शुरू हो जाएगा देन कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन कंपनी बाय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अब इस रेगुलेटिंग एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर इंग्लैंड की सरकार का कंट्रोल स्टैब्लिश कर दिया तो अगर इसको समराइज करते हुए हम बोलें कि रेगुलेटिंग एक्ट ने क्या किया रेगुलेटिंग एक्ट ने एक तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कर दी सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर और दूसरी चीज क्या कर दी इसने दूसरी चीज यह की कि कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट ऑन ईस्ट इंडिया कंपनी भी कर दिया ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें की किसने इस रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ने राइट right? अब यहां तक मैंने आपको रेगुलेटिंग एक्ट के मेन फीचर्स करा दिए समझा दिए एक चीज और आपको नोट करनी है जो कंपनी 1600 में बनी थी 1773 तक उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कि आप कितने साल तक काम करोगे कितने साल तक काम नहीं करोगे उसको तो लग रहा था हम सारी जिंदगी काम करेंगे लेकिन क्योंकि अब पार्लियामेंट ने इस कंपनी के ऊपर अपना कंट्रोल बनाना है तो पार्लियामेंट ने यह बोला कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी के पास अगले 20 साल के लिए मोनोपली ऑफ ट्रेड है कि वो भारत के साथ एकाधिकार का ट्रेड कर सकती है मोनोपली ऑफ ट्रेड है लेकिन 20 साल के बाद उन्हें पार्लियामेंट से एक बार फिर पूछना पड़ेगा और पार्लियामेंट बताएगा कि अभी आप आगे और व्यापार कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो आपके पास मोनोपली रहेगी कि नहीं रहेगी ये ट्वेंटी ईयर्स ऑफ मोनोपली भी रेगुलेटिंग एक्ट का एक फीचर था राइट सो वी आर डन विद रेगुलेटिंग एक्ट यहां तक किसी के पास कोई डाउट आया हो किसी के पास कोई डाउट आया हो किसी को कुछ लगाओ यस ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप आपको वहां पर ये सब मिल जाएंगे पीडीएफ लेक्चर खत्म करने के बाद हम इन्हें वहाँ शेयर कर देंगे बस याद रखना यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लो ताकि डेली लेक्चर देख पाओ और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो ताकि कोई भी तुम्हारा लेक्चर का जो पीडीएफ है वो तुम मिस आउट ना कर जाओ तो आपको सिर्फ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है टेलीग्राम चैनल क्या है मल्होत्रा आई एस सिंपल राइट यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लो तो कोई लेक्चर कभी मिस नहीं होगा ठीक है तो कंटिन्यू करते हैं आगे सुप्रीम कोर्ट भी बता दिया बेटा देखो यहां पे लिखा तो हुआ सुप्रीम कोर्ट एट कैलकटा ये लिखा हुआ सुप्रीम कोर्ट एट कैलकटा साहब को चीफ जस्टिस लगा दिया और तीन जजिस के नाम भी बता दिए ऑल राइट चलो सो सेवनटीन सेवनटी थ्री का रेगुलेटिंग एक्ट पास हो गया अदरवाइज अब अगला काम सेवनटीन नाइनटी थ्री में होगा सेवनटीन नाइनटी थ्री में क्या होगा चार्टर एक्ट पास होगा लेकिन वो हमारे पर्पस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको स्किप भी करेंगे लेकिन अभी ये 20 साल पूरे नहीं हुए बीच में कुछ ऐसा हुआ कि इनको पिट्स इंडिया एक्ट भी पास करना पड़ा अब जब पिट्स इंडिया एक्ट की बात आई है तो आपको दो तीन चीजें जो कि रिलेटेड हैं वो समझा दूं जिससे कि आपको बेटर चीजों का ज्ञान हो जाएगा और अगर पेपर में कोई थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आ गया आप उसको अच्छे से हैंडल कर पाओगे ठीक है तीन चीजें हैं सो पहली चीज 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट अच्छा एक चीज मैं यहां पे साफ कर दू भाई मैं ना इस चीज को समझता हूं कि आप लोगों में बहुत ज्यादा जिज्ञासा रहेगी आप बहुत कुछ जानना चाहोगे लेकिन मैंने ना बहुत ध्यान से पिछले चार पांच सालों के जो आपके हिमाचल के पेपर है उनका अध्ययन किया है और जो मेरे को समझ आया कि जिस तरह के वो सवाल पूछते हैं मैं उससे 20-25 परसेंट ज्यादा इन्फॉर्मेशन इन लेक्चर्स में मैं और मेरे बाकी जो टीचर्स हैं हम सब शेयर कर देंगे बट अगर आप ये सोचो कि अब इस बैच में हम आपको आई वाला भी करा देंगे वो थोड़ा संभव नहीं होगा ठीक है तो इसलिए ऐसा मत करना कि ये भी पूछते जाओ वो भी पूछते जाओ जितना एच के लिए इंपॉर्टेंट है उतना तो हम करवा देंगे उतने के नोट्स भी दे देंगे एंड आई होप यू ऑल विल बी हैप्पी फॉर दैट एम आ राइट एवरी चलो और आप लोगों को एक बड़ी छोटी सी नम्रता के साथ एक विनती करूंगा मैं कि भाई ऐसे नहीं होता कि आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लिखने के लिए आए होते हो कि आप साइड पे लिखते ही जाते हो लिखते ही जाते हो आप क्लास लगाने आते हो पढ़ने आते हो सुनने आते हो समझने आते हो आखिरी में अगर कोई सवाल बचे वो पूछा जाता होता है ऐसे बस धड़ाधड़ से लिखते जाते हो तो ध्यान कहाँ लगाते हो पढ़ने में और ये भारत की अब एक ना बड़ी दुविधा सी हो गई है हम पढ़ने तो आते ही नहीं है हम सिर्फ पूछने आ जाते हैं क्लासेस में ऐसे कैसे चलता है यार मेरे को तो समझ ही नहीं आती है अगर आप थोड़ी देर के लिए शांति रखो सर नोट्स कहां से मिलेंगे भाई तुम कभी भी बीच में आके ज्वाइन कर लोगे सौ नहीं दो सौ नहीं पांच सौ नहीं हजार बच्चा लेक्चर देख रहा है मैं बार बार यही बताता रहूंगा अगर नोट्स टेलीग्राम में मिलेंगे ये कर लेना फिर तो मैं पढ़ाई नहीं पाऊंगा तो जो भी जब भी आए आके आराम से बैठ जाए पहले लेक्चर सुने लास्ट में मैं दोबारा से सारी चीजें फिर से एक्सप्लेन कर दू वो बढ़िया रहेगा तो अगर आप सबकी अनुमति हो तो मैं आगे चलू पढ़ा लू चलिए शुक्रिया आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं मैं तो हम 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट की बात करने जा रहे हैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट डायमेंशन है जो बहुत सारी किताबें ना समझा नहीं पाती हैं लिखा होता है बट समझाया नहीं जाता क्योंकि इंटरलिंकिंग मिसिंग हो जाती है तो वो टॉपिक like पता है क्या है देखो 1776 से लेकर 1783 के बीच में 1776 से लेकर 1786 में अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो गई अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अमेरिका ब्रिटेन के खिलाफ लड़ा और फिर अमेरिका इंडिपेंडेंस ले गया अमेरिका आजाद हो गया एक लाइन बोलता हूं बड़ी सिंपल सी लाइन है लिख लेना अपने पास विद अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस विद अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ब्रिटेन लॉस्ट वन एम्पायर ब्रिटेन लॉस्ट वन एम्पायर बट एट द सेम टाइम एट द सेम टाइम इट स्टार्टेड फोकसिंग मोर एट द सेम टाइम इट स्टार्टेड मोर ऑन एन अदर एम्पायर विद द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ब्रिटेन लॉस्ट वन एम्पायर बट एट द सेम टाइम इट स्टार्टेड फोकसिंग मोर ऑन एन अदर एम्पायर राइट सो मतलब क्या हुआ कि ब्रिटेन को लगा भाई हमारी कुछ गलत नीतियों के कारण अमेरिका तो हमारे हाथ से निकल गया हम कहा अमेरिका पे राज कर रहे थे अब हमें उसको छोड़ना पड़ रहा है अब ऐसा ना हो कि हम भारत की तरफ भी ध्यान ना दें और जो ईस्ट इंडिया कंपनी वहां पे अपना कुशासन चला रही है जो उसकी बुरी एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है उसके कारण से कहीं भारत में भी ऐसा विद्रोह हो और भारत भी हमारे हाथ से निकल जाए तो फिर हम कैसे ही बोलेंगे दैट सन नेवर सेट ऑन ब्रिटिश डोमिनियन तो इससे पहले कि ईस्ट इंडिया कंपनी की गलतियों के कारण या उनकी गलत नीतियों के कारण हमारे हाथों से भारत भी निकले भारत पे थोड़ा ध्यान देना शुरू कर देते हैं इसलिए भी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पास किया गया देखो जैसे ही अमेरिका की लड़ाई खत्म हुई साथ के साथ इन्होंने पिट्स इंडिया एक्ट पास कर दिया राइट अच्छा अब बिफोर वी मूव फर्दर यह बताओ अभी भी तुम ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हजार लोग जुड़े हुए हो क्या ये लिंक पहले ध्यान से पढ़ा हुआ था समझा हुआ था या ये कुछ नया है तुम लोगों के लिए कुछ नया ऐड किया गया नॉलेज में एक चीज हो गई दूसरी चीज इंग्लैंड के पार्लियामेंट ने जब पास करना था रेगुलेटिंग एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट कब पास किया गया था 1773 में उस समय पर बात क्या हुई थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी पे कुछ नियंत्रण स्थापित किया जाए पार्लियामेंट का कुछ कंट्रोल स्टैब्लिश किया जाए पार्लियामेंट उसको रेगुलरली रेगुलेट तो करे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कुछ भी करती जाएगी इतनी आजादी तो हम नहीं दे पाएंगे अब जब ये डिसाइड किया पार्लियामेंट ने रेगुलेटिंग एक्ट पास करके दस साल बीत गए 1783 आ गया लेकिन कुछ पार्लियामेंट कर ही नहीं रहा भारत में जैसा भी चल रहा था वैसा ही चलता जा रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ भी कर रही है उसको पूरी आजादी है कोई भी लड़ाई चल रही है है ना कितनी लड़ाई होगी ना इसके बीच में तो 1773 से लेकर 1783 के बीच में मैसूर की लड़ाइयां भी शुरू हो चुकी हैं मराठों से भी लड़ना शुरू कर दिया है कुछ भी चली जा रहा है भारत में तो अब इंग्लैंड में पार्लियामेंट में ओपोजिशन ने शोर मचा दिया और 1783 में एक डूडा बिल आया डूडा बिल राइट right? बिल आया, 1783 में राइट, रेगुलेटिंग एक्ट के बाद और पिट्स एक्ट पास होने से पहले इंग्लैंड के पार्लियामेंट में एक डूंडास बिल आया था इस डूडा साहब ने क्या बोला था इनकी डिमांड थी दैट पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड पार्लियामेंट बी ऑथोराइज पार्लियामेंट को यह शक्ति दी जाए बी ऑथोराइज टू रिकॉल कंपनी ऑफिशियल्स, कंपनी ऑफिशियल्स फ्रॉम इंडिया कि अगर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो इंप्लॉइज हैं वो कोई गलत काम करते हैं तो उनको वापस बुलाने की जो शक्ति है वो ब्रिटेन के पार्लियामेंट को दी जाए लेकिन ये बिल तो पास ही नहीं हुआ अगर पास होता तो ये भी तो एक्ट बनता ना रेगुलेटिंग एक्ट की तरह या पिट्स इंडिया एक्ट की तरह यह रह गया बिल इसको पार्लियामेंट ने पास नहीं किया क्योंकि ऑपोजिशन पार्टी लेके आई थी फिर जब ये बिल पास नहीं हुआ इसके बाद क्या हुआ 1783 में ही उसी साल में एक और बिल आया फॉक्स इंडिया बिल फॉक्स इंडिया बिल राइट फॉक्स इंडिया बिल भी 1783 में ही आया था अब जब 1783 में फॉक्स इंडिया बिल आया इंग्लैंड का पार्लियामेंट जो है वो तो बाई है ना शुरू से वहां पे एक हाउस ऑफ कॉमन्स होता है जैसे हमारी लोकसभा होती है

जब दोनों बिल पास नहीं हुए तो उसके बाद 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पास किया गया क्योंकि अमेरिका आजाद हो गया यूएसए बन गया अब ब्रिटेन के पार्लियामेंट को लगा भाई जल्दी से काम करो भारत में थोड़ी शक्ति अपने पास रखो नहीं तो जो कंपनी है वो तो मलियामेट कर देगी काम को अब इस कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट को राइट जब हम बात करेंगे पिट्स इंडिया एक्ट की इसमें क्या हुआ सबसे पहले सबसे पहले निर्णय लिया गया कि कंपनी के जो व्यापारिक काम है कॉमर्शियल एक्टिविटीज और जो राजनीतिक काम है पोलिटिकल एक्टिविटीज़ इन दोनों फंक्शन को सेपरेट कर दो अब पॉलिटिकल काम करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी थोड़ा है सक्षम वो अपने कमर्शियल काम करे पार्लियामेंट को कंट्रोल मिल जाए पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पे भारत में लड़ाई लड़नी है नहीं लड़नी टैक्स लेना है नहीं लेना भारत में आपने टेरिटरीज एक्वायर करनी है नहीं करनी ये थोड़ा ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी इसके लिए पार्लियामेंट को रोल मिल जाना चाहिए अब जो तो कमर्शियल अफेयर्स हैं वो तो कंपनी का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देख ले कंपनी का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देखो हर एक प्राइवेट कंपनी जैसे अब हम बात करें रिलायंस कंपनीज की तो उसका एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो होता ही है ना कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इज लाइक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मुकेश अंबानी साहब उसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं तो अगर उन्होंने कोई भी फैसला लेना है कि हम फाइव लाएंगे कि नहीं लाएंगे वो तो वही लेंगे लेकिन क्या भारत में 5G नेटवर्किंग आएगी कि नहीं आएगी ये तो भारत सरकार पहले निर्णय लेगी ना तो उन्होंने बोला कि ठीक है एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है ईस्ट इंडिया कंपनी का उन्होंने जो भी व्यापारिक वनिजीय काम करने हैं कमर्शियल एक्टिविटीज करनी है करें हम थोड़ा मना कर रहे हैं आपने भारत से क्या खरीदना है कितने में खरीदना है इंग्लैंड ला क्या बेचना है आपकी मर्जी है लेकिन जो पोलिटिकल अफेयर है उसके लिए अलग से एक नया बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया जाएगा और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल में इंग्लैंड के दो कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हैं वो मेंबर्स बनेंगे इंग्लैंड के दो कैबिनेट मिनिस्टर्स इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर बनेंगे और वो बताया करेंगे कि इंडिया में अब पोलिटिकली काम कैसे किया जाएगा और दो कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं वो पार्लियामेंट को आंसरेबल तो होंगे ही होंगे ना पार्लियामेंट में तो मिनिस्टर जाके ऑपोजिशन पार्टी के सवालों का जवाब भी देंगे तो एक तरह से आज से भारत में राजनीतिक ढंग से अंग्रेज किस तरह से काम करेंगे

ग्राउंड को या पार्लियामेंट को ट्रांसफर हो जाएगी राइट सो फ्रॉम 1784 विद द पासिंग ऑफ पिट्स इंडिया एक्ट अप टू 1857 रिवोल्ट एवरीथिंग रिमेंड डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स वन द बोर्ड ऑफ द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अदर द बोर्ड ऑफ कंट्रोल राइट एक और चीज की गई पिट्स इंडिया एक्ट के साथ इंडियन टेरिटरीज आर नाउ कॉल्ड ब्रिटिश पोसेशंस इन इंडिया अब इंडिया को ब्रिटिश पोजेशन बोल दिया गया इससे पहले वो ईस्ट इंडिया कंपनी पे में इंपीरियल पावर तो अब इंपीरियलिज्म आ गया कलोनलिज्म के साथ साथ इंपीरियलिज्म भी स्टार्ट हो गया राइट ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो सुप्रीम कंट्रोल ओवर भी ले गई ब्रिटिश गवर्नमेंट का सुप्रीम कंट्रोल ओवर कंपनी अफेयर्स हो गया कि अब इंडिया में तुम क्या कर रहे हो भाई हम देख रहे हैं हमारी निगरानी में होगा हमारे निर्देश के अनुसार किया जाएगा ये दो चीजें हो गई अब एक चीज जो इसमें मिसिंग है वो आप नोट करोगे जहां पर गवर्नर जनरल के काउंसिल में पहले चार काउंसिलर्स थे पिट्स इंडिया ने उसको तीन कर दिया अब गवर्नर जनरल के काउंसिल में तीन लोग थे ऑलराइट I have to make one announcement. I'm so sorry. Mr. Ramchandran S. This is a class for Himachal Pradesh Administrative Services. I am really sorry. I will be explaining this in most of the time in Hindi. little bit of English. Every class is not meant for everyone. All right, I hope you have understood that this is not a class for everyone. It is a class specific to Himachal students, so that is why I am speaking in Hindi and using little of English. All right. यहां तक अगर कोई डाउट है किसी के माइंड में प्लीज एक बार बता दो नहीं तो आगे चले साथ में मैं दो मिनट बीच में सांस भी ले लूंगा अविंद गुप्ता जी ये YouTube का लेक्चर है यूट्यूब का लेक्चर तो वही रहेगा जब मर्जी देखो कल देखो दो दिन बाद देखो छह महीने बाद देखो ठीक है सोशला कॉन्टिन्यू गायस ऑन राइट थैंक यू एवरी वन सो हमने दो एक्ट कर दिए अब हम सीधा जा रहे हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1833 पर जबकि बीच में दो जो एक्ट और पास हुए हैं या बाकी के जो छोटे छोटे एक्ट पास हुए हैं उनका मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं अगर कभी कोई बेसिक सा क्वेश्चन आ जाए तो आप हैंडल कर सको एक तो अमेंडिंग एक्ट पास हुआ था अमेंडिंग एक्ट पास कब हुआ था 1786 में पिट्स इंडिया एक्ट के दो साल के बाद एक अमेंडिंग एक्ट भी पास किया गया इसके साथ दो इंपॉर्टेंट चीजें की गई एक पहली चीज क्या की गई गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे गवर्नर जनरल को कमांडर इन चीफ की पावर्स भी दी गई गवर्नर जनरल गिवन द पावर्स ऑफ कमांडर इन चीफ को लॉर्ड कॉर्नवालिस आए थे इस टाइम पर और लॉर्ड कॉर्नवालिस के आने पर उनको गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ की पावर्स एक साथ दी गई दूसरी चीज गवर्नर जनरल को ही वीटो पावर भी दे दी गई पिट्स इंडिया एक्ट ने भी वीटो पावर नहीं दिया था

और इसने ट्वेंटी इयर्स की मोनोपली दी थी जब ट्वेंटी पूरे हुए तो चार्टर एक्ट पास हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपली दे दी गई कि अभी आप और व्यापार कर लो अब जब इसके बीस साल पूरे हुए तो चार्टर एक्ट फिर से पास किया गया 1813 में जब 1813 में चार्टर एक्ट पास हुआ इस बार कंपनी को क्या बोला गया कि ट्वेंटी आपको मोनोपोली तो हम दे रहे हैं लेकिन हाफ मोनोपोली जो है वो आज से आपसे छीन ली जाएगी हाफ टेकन अवे अब क्या बोला गया कि ट्रेड इन टी एंड चाइना ट्रेड इन टी एंड चाइना सिर्फ इसी में आपके पास मोनोपोली है आप चीन के साथ व्यापार करो या चाय का व्यापार करो इसमें तो आपके पास मनोपली रहेगी लेकिन बाकी मनोपली आपसे छीन ली जाएगी सो so, 1813 के एक्ट ने इनसे इनकी हाफ मनोपली छीन ली ईस्ट इंडिया कंपनी की और साथ में इनको एक और चीज़ बोली गई 1813 में वो क्या बोला गया कि कंपनी एक काम करे कंपनी अब वन लाख ,00 रुपीज पर एन जो है वन लाख ,00 रुपी पर एन एजुकेशन पे स्पेंड करे इंडिया में ठीक है कंपनी को इंडिया में एजुकेशन को भी प्रमोट करना होगा यह भी 1813 के एक्ट ने बोला था कि एक लाख रुपया हर साल आप इंडिया में स्पेंड करो फॉर प्रमोशन ऑफ एजुकेशन तीसरी चीज 1813 के एक्ट ने बोला था कि अब जो ईसाई पादरी हैं क्रिश्चियन मिशनरीज दे कैन प्रीच इन इंडिया राइट दे कैन प्रीच इन इंडिया तो 1813 के एक्ट ने 20 इयर्स तो एक्सटेंड किए थे लेकिन हाफ मोनोपोली जो है वो कंपनी से छीन ली थी फिर इसने 1 लाख रुपया एजुकेशन की बात कर दी और साथ में क्रिश्चियन मिशनरीज का भी इंडिया में रोल एस्टैब्लिश कर दिया सो so मैंने आपको ब्रीफ ऑफ 1793 एंड 1813 चार्टर एक्ट भी करा दिया इसके बाद अगला 20 साल पूरे हुए तो 1833 में एक एक्ट पास हुआ राइट 1833 में जब एक्ट पास हुआ चार्टर एक्ट इसमें क्या किया गया इसको हम बोलते हैं फाइनल स्टेप टूवर्ड सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया नाउ व्हाई वी कॉल इट फाइनल स्टेप टूवर्ड सेंट्रलाइजेशन क्योंकि अब इन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिक पहले इंसान जो कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया राइट आज से भारत में प्रॉपर एक गवर्नर जनरल होंगे दूसरा चेंज क्या किया गया अब जो नए कानून बनेंगे लॉज मेड अंडर दिस एक्ट वर्क कॉल्ड एज एक्ट इससे पहले वो लेजिसलेशन या रेगुलेशन होते थे आज से वो एक्ट बन गए देन ईस्ट इंडिया कंपनी नो मोर कॉमर्शियल बॉडी इट बिकेम एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी अब उसकी सारी की सारी मोनोपली जो है वो खत्म कर दी गई इस एक्ट ने क्या बोला था टोटल मोनोपली खत्म हो गई है सिर्फ आपके पास 20 इयर्स का टाइम है आप भारत में जो अपना काम कर रहे हो उसको अपना वाइंड अप करना शुरू कर दो अब आपको वापस बुला लेंगे राइट इसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हुई अब वो इंपॉर्टेंट चीज क्या थी न्यू मेंबर एडिड एक नया मेंबर ऐड किया गया गवर्नर जनरल के काउंसिल में विद द टाइटल ऑफ लॉ मेंबर लॉ मेंबर और पहले लॉ मेंबर जो लगाए गए वो थे लॉर्ड मेकोले लॉर्ड मेकॉले ही वॉज द फर्स्ट लॉ मेंबर इन द काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल और लॉ मेंबर जो थे 1833 के एक्ट में ये पार्ट टाइम मेंबर थे पार्ट टाइम मेंबर ये अभी फुल मेंबर नहीं थे राइट right? सो so, ये इंपॉर्टेंट हो गया 1833 का एक्ट डन अभी मैं आपको ना लॉजिक भी समझाऊंगा हम सिर्फ फैक्ट्स नहीं पढ़ेंगे हम लॉजिक्स भी समझेंगे कि ऐसा क्यों हुआ अब इसके बाद 20 साल पूरे हुए तो हमारे पास आया रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1853। इसने क्या किया भारत में सेपरेटेड लेजिस्लेटिव एंड एग्जेक्यूटिव फंक्शंस सो सेपरेशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है सेपरेशन ऑफ पावर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो कब आया 1853 के एक्ट के साथ जब लेजिस्लेटिव ऑफ फंक्शंस को सेपरेट किया गया इसके साथ साथ ओपन कंपटीशन सिस्टम फॉर सिविल सर्विसेज वो भी इंडिया में अडॉप्ट कर दिया गया अडॉप्शन ऑफ मिनी पार्लियामेंट इन इंडिया भी इसको बोल देते हैं इट एक्सटेंडेड कंपनीज रूल बट इसने पता क्या कर दिया फॉर इनडेफिनेट टाइम इनडेफिनेट टाइम का मतलब पता क्या है टिल प्लेजर ऑफ क्राउन अब उसको बीस साल नहीं मिले से रेगुलेटिंग एक्ट ने ट्वेंटी ईयर दिए थे ट्वेंटी ईयर्स दिए थे एटीन थर्टीन के चार्टर एक्ट ने भी ट्वेंटी ईयर्स दिए थे और एटीन थर्टी थ्री के चार्टर एक्ट ने भी ट्वेंटी ईयर्स दिए थे बट एटीन फिफ्टी थ्री ने ट्वेंटी देने के लिए मना कर दिया राइट फॉर द फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फॉर द फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड लोकल रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल ये कुछ की फीचर्स थे 1853 के एक्ट के अब आपको मैं वो लॉजिक समझा दूं, जो आपको थोड़ा सा चीजों को याद रखने में और उनको एग्जाम में डिकोड करने में हेल्पफुल होगा तो हुआ क्या कि इंग्लैंड में 1760 में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया जब इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया औद्योगिक क्रांति जब इंग्लैंड में आई 1780 में तो धीरे धीरे इंग्लैंड की जो कैपिटलिस्ट क्लास थी जो पूंजीवादी लोग थे कैपिटलिस्ट क्लास वो पावरफुल होनी शुरू होगी अब ऐसा तो होगा नहीं ना कि दस बीस सालों में बहुत पावरफुल हो जाए थोड़ा टाइम लगेगा अब जैसे जैसे इंग्लैंड में कैपिटलिस्ट क्लास आ रही है उनका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सक्सेसफुल हो रहा है तो इंग्लैंड की जो सरकार है वो थोड़ी सी प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज अडॉप्ट कर लेगी प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज क्या होती हैं कि बाहर के सामान आने की बजाय मेड इन इंग्लैंड को प्रमोट किया जाए ताकि इंग्लैंड की इंडस्ट्री ग्रो कर जाए अब इंग्लैंड में सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ कौन सी इंडस्ट्री पर फोकस किया गया था कॉटन टेक्सटाइल पे मैनचेस्टर में फैक्ट्रियाँ फुकट्रियाँ लगी थी कपड़ा बनाने के लिए इंडिया से क्या जाता था कॉटन टेक्सटाइल तो इंग्लैंड की सरकार ने अपनी इंडस्ट्री को सपोर्ट देने के लिए भारत से आने वाले कपड़े के ऊपर टैक्सीस बढ़ा दिए टैक्सीज वर इंक्रीज कि अगर भारत से कपड़ा आएगा ना तो उस पर हम ज्यादा टैक्स लगाएंगे ताकि वो कपड़ा थोड़ा महंगा हो जाए फिर इंग्लैंड के लोग वो ना खरीदें और इंग्लैंड की अपनी फैक्ट्री का कपड़ा खरीदें चाहे क्वालिटी में वो भारत के कपड़े के बराबर नहीं भी है तब भी क्योंकि सस्ता होगा तो लोग खरीद लेंगे अब इंग्लैंड के कैपिटलिस्ट को जैसे ही सरकार ने सपोर्ट करना शुरू किया इंग्लैंड का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सक्सेसफुल होना शुरू हो गया और भारत से जो भी सामान जाता था फिनिश गुड्स उनकी मार्केट कम होनी शुरू हो गई तो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रॉफिट गिरने शुरू हो गए जब प्रॉफिट गिरे तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने डिसीजन लिया कि हम इंडिया से रॉ मटेरियल लेके चला करेंगे कच्चा माल ले लेंगे रॉ कॉटन लेंगे जाके इंग्लैंड को बेच देंगे वो बना ले कपड़ा वो कपड़ा लाके हम इंडिया में बेच देंगे जब इंडिया में कच्चा माल ही नहीं होगा रॉ मटेरियल ही हम ले जाएंगे तो इंडिया में फिनिश गुड्स तो होंगे नहीं हम इंग्लैंड से लाके बेचेंगे हमें भी मुनाफा होता रहेगा यहाँ से कच्चा माल ले जाएंगे वहां से पका माल ले आएंगे अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया से रॉ मटीरियल लेके जाना शुरू कर दिया लेकिन जो ब्रिटेन का कैपिटलिस्ट है वो धीरे धीरे और पावरफुल होता जा रहा है और उसके जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो भी स्टेबलाइज होता जा रहा है अब कैपिटलिस्ट बोलता है भाई मैं खुद इंडिया जाके क्यों ना सामान लेके आऊं इंडिया से अगर मैं खुद ही रॉ मटेरियल ले आऊंगा मैं खुद ही इंडिया को सामान बेचूंगा मैं ये बीच में बिचौलिया को रखा हुआ मैंने ईस्ट इंडिया कंपनी को तो इंग्लैंड के कैपिटलिस्ट क्लास ने धीरे धीरे इंग्लैंड के पॉलिटिशियंस को अप्रोच करना शुरू किया कि भाई आपने इस ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली दी क्यों हुई है साथ के साथ अगर हम पॉलिटिकली बात करें तो जो ये समय है ये इंग्लैंड में लिबरलिज्म का समय आ रहा है इंग्लैंड में लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी पॉपुलर हो जाएगी एडम स्मिथ जैसे राइटर्स आ जाएंगे और ये लोग फेयर की लेरीज देंगे फेयर क्या होता है फ्रीडम ऑफ ट्रेड अब जब फ्री ट्रेड की बात हो गई फ्री ट्रेड में तो फिर मोनोपली तो अलाउड ही नहीं होती है और एडम स्मिथ सर जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है उन्होंने अपनी किताब वेल्थ ऑफ नेशंस में तो ये बोला ना कि मोनोपली तो बहुत बुरी चीज़ है फ्रीडम ऑफ ट्रेड हो मार्केट में फ्री वो हो ना डिमांड एंड सप्लाई का रूल अप्लाई करे तो इस सब के चलते हुए इंग्लैंड में लिबरलिज्म आ रही है इंग्लैंड में कैपिटलिस्ट क्लास पावरफुल हो रही है तो पार्लियामेंट और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इन चीज़ों से इन्फ्लुएंस होते चले गए और उन्होंने धीरे धीरे से इंग्लैंड से डिसीजन ले लिया पार्लियामेंट के थ्रू कि इंडिया में जो ईस्ट इंडिया कंपनी को इतनी मोनोपली दी गई है उसे धीरे धीरे खत्म करो और फिर अचानक एक दिन कंपनी को बंद कर दिया जाए इज इट क्लियर एवरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सब लोगों को बेटा पिट्स प्राइम मिनिस्टर का नाम है तो उसके नाम पे रखा गया है वीटो पावर होता है अपनी मर्जी से काम करना प्रियंका अग्रवाल पूछ रही है सर क्लास कितने टाइम किया बेटा थकना तो मुझे चाहिए एक घंटे से खड़ा होके बोल रहा हूँ थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ा दूँ बोलो या थक गए तो बंद कर देता हूँ अभी थक गए बंद कर दूँ संतोष नेगी जी मैं तो इतने सारी स्टोरीज बता रहा हूं तो फैक्ट तो स्टोरीज के थ्रू ही आप याद कर लोगे है फैक्ट्स तो स्टोरी के थ्रू ही याद हो जाएंगे तो कंटिन्यू कर लिया जाए थोड़ा और पढ़ लिया जाए आज सो so, हमने रेगुलेटिंग एक्ट uh, के साथ साथ अब चार्टर एक्ट ऑफ 1853 तक पढ़ दिया अब आगे चलते हैं इसके बाद 1857 का रिवोल्ट हो गया 1857 का रिवोल्ट होने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को तो बंद कर दिया गया अब ईस्ट इंडिया कंपनी बंद हो गई और सारी पावर चली गई ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास अब पास हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एक्ट 1858 इस एक्ट में क्या किया गया सबसे पहले तो इसको बोला गया एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत को बोला गया कि अब तुम्हारे लिए हम अच्छी जो है सरकार स्थापित करेंगे और भारत के साथ जो अन्याय कर दिया वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया भाई उसको हमने बंद कर दिया अब हमारी महारानी साहबा आपके ऊपर राज करेंगी और उसके साथ आपको एक अच्छी सरकार जो है हम वो निश्चित रूप से प्रदान करेंगे आप अब, अब बढ़िया सरकार चलेगी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे वो अब वाइस रॉय ऑफ इंडिया भी हो गए और वो पहले इंसान जो गवर्नर जनरल भी होंगे और वाइस रॉय भी होंगे वो थे लॉर्ड कैनिंग लॉर्ड कैनिंग के टाइम पर ही तो रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ उन्होंने अच्छे से हैंडल किया रिवोल्ट को क्रश कर दिया तो भाई को बोला गया कि आप कैनिंग साहब आपको वापिस थोड़ा जाना है, आप तो यहाँ रो आपको ज्यादा पावर मिलेगी अब टेंशन मत लो राइट अब ना बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक छोटा सा कंफ्यूजन रहता है और कुछ किताबों ने लिखा भी कुछ इसी ढंग से हुआ है कि ना जो गवर्नर जनरल थे ना 1857 तक वो गवर्नर जनरल थे उसके बाद वो वाइस रॉय बन गए सो लॉर्ड कैनिंग जो है वो क्या थे अप टू 1857 वो गवर्नर जनरल थे 1857 के बाद वो वाइस रॉय हो गए लेकिन इसमें इशू पता है क्या है थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है अब हुआ पता है क्या 1857 से पहले तो सिर्फ गवर्नर जनरल थे 1857 के बाद पहले और बाद में क्या फर्क था अब वो गवर्नर जनरल होने के साथ साथ वाइस रॉय थे ऐसा नहीं है कि पहले गवर्नर जनरल थे अब वाइस हैं पहले सिर्फ गवर्नर जनरल थे अब वो गवर्नर जनरल और वाइस रॉय है अब इसमें फर्क क्या है गवर्नर जनरल और वाइस रॉय में ये ध्यान से समझ लेते हैं फटाफट से भारत भारत था था, उस उस समय समय पर, पर जो उसमें कुछ एरियाज तो ऐसे थे ना जो ब्रिटिश ने जीत लिए थे राइट कुछ एरियाज तो वो हैं जो ब्रिटिश ने जीत लिए जहाँ पे कोई गवर्नर होता था कहीं पे लेफ्टिनेंट गवर्नर होता था कहीं पे चीफ कमिश्नर होता था है ना इस तरह से कुछ एरियाज जीत दिए लेकिन बाकी के एरियाज में तो भारतीय राजा राज कर रहे थे ना आजादी के बाद भी तो हमारे पास 562 इंडियन स्टेट्स स्टेट्स थी नेटिव तो जहां पर अभी राजे राज कर रहे थे भारत के राजे वहां पर थोड़ा गवर्नर जनरल थे तो क्या था बिफोर 1857 जो गवर्नर जनरल थे वो इन टेरिटरीज के थे जो ब्रिटिश ने जीत ली थी और जो टेरिटरीज नहीं जीती थी जहां पे राजे राज करते थे वहां पे तो रेजिडेंट होता था ब्रिटिश रेजिडेंट याद है ना जो लॉर्ड लॉर्डली ने सब्सिडरी रेजिडेंट होता था राइट अब इन्होंने क्या बोला कि अब ना हर राजा के साथ रेजिडेंट नहीं होगा पहले हमारी पॉलिसी थी सबोर्डिनेट आइसोलेशन की सबोर्डिनेट आइसोलेशन सबॉर्डिनेट आइसोलेशन क्या था कि हमने हर राजा को अलग अलग किया हुआ था अपने अधीन पर आइसोलेट फ्रॉम ईच अदर सब राजे अलग थे और उनके साथ एक एक रेजिडेंट लगा हुआ था अब हम अपनी पॉलिसी बदल के उसको सबॉर्डिनेट यूनियन में तब्दील कर रहे हैं सबॉर्डिनेट यूनियन अब क्या होगा राजे रहेंगे तो हमारे सबॉर्डिनेट ही हमारे अधीन लेकिन उनको इकट्ठा कर देंगे जब उनको इकट्ठा करने की बात की तो उसमें इन्होंने क्या बोला कि जो रेजिडेंट थे उनकी जगह अब हर राजा के साथ एक रेजिडेंट नहीं होगा अब भारत में एक वाइसराय होगा जो तो गवर्नर जनरल है वो ब्रिटिश इंडिया का हेड है जो इंडिया अंग्रेजों ने जीत लिया और जो वॉइस रॉय है वो सारे नेटिव प्रिंस का हेड बन जाएगा वो उनको डील करेगा सो एक ही आदमी दो काम करेगा मैं लॉर्ड कैनिंग हूं। अगर मैं भारत के उस क्षेत्र में जाता हूं जो अंग्रेजों ने जीता है तो लोग मुझे गवर्नर जनरल बोलते हैं अगर मैं राजाओं के क्षेत्र में जाता हूं तो लोग मुझे वाइस बोलते हैं। तो एक ही आदमी को दो कार्यभार दे दिए गए वो भारत को अंग्रेज अंग्रेजों द्वारा जीते गए भारत में वो गवर्नर जनरल का काम करता है और बाकी एरिया में जाकर वो राजाओं के क्षेत्र में जाकर वो वाइस रॉय बनता है इज इट क्लियर टू एवरी वन बेटा वॉइस रॉय भारतीय राजाओं के साथ अंग्रेजों के संबंध संभालेगा ठीक है चेतिया जी हो गया क्लियर? Right. So, एक्ट आया 1858 का एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट उसने गवर्नर जनरल को वॉइस रॉय का टाइटल दे दिया यह अडिशनल टाइटल था यह अलग नहीं था राइट नया नहीं मिला उसको अडिशनल मिला देन द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट वो जो डबल गवर्नमेंट क्या थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वो जो दो चीजें थी उसको खत्म कर दिया अब सारी पावर ही क्राउन के पास आ गई एक नया ऑफिस बनाया गया नया ऑफिस क्या था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो ये नया ऑफिस बना ना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का ये पता है क्या है इंग्लैंड का जो प्राइम मिनिस्टर था उस टाइम पर डिजरेली राइट डिजरेली उस टाइम पे इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे इन्होंने क्या किया हर एक प्राइम मिनिस्टर के पास अपना मिनिस्टर भी होता है होम मिनिस्टर भी होता है फॉरेन अफेयर एक्सटर्नल मिनिस्टर भी होता है डिफेंस मिनिस्टर भी होता है इन्होंने बोला भाई आज से ना मैं इंडिया में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी लगा रहा हूं जो कि मेरा इंडिया मिनिस्टर होगा वो इंडिया का ध्यान रखेगा बेटा बता तो दिया अनमोल डोगरा कितनी बार एक ही चीज पूछोगे भाई देखो एक बार तुम्हें फिर से बता देता हूं शायद समझ आ जाए इस बार जो गवर्नर जनरल है ना वो ब्रिटिश इंडिया जो था जिसे अंग्रेजों ने जीता था वो ब्रिटिश इंडिया का चीफ एडमिनिस्ट्रेटर बन गया सारी एडमिनिस्ट्रेशन वो चलाएगा सारे गवर्नर उसके अधीन है लेफ्टिनेंट गवर्नर उसके अधीन है और चीफ कमिश्नर उसके अधीन है यही आदमी जब वॉइस रॉय का रोल प्ले करेगा तो ये ब्रिटिश क्राउन के और इंडियन प्रिंसेस के रिलेशंस को मेंटेन करेगा भारतीय राजाओं का संबंध अंग्रेज के महाराज के साथ कैसा होगा यह वॉइस राय देखेंगे भारतीय राजाओं की समस्या राजाओं को इंग्लैंड के राजा को बतानी और इंग्लैंड के राजा के आदेश भारतीय राजाओं तक पहुंचाने यह वॉइस राय साहब का काम था यह क्लियर हो गया इज इट क्लियर आगे पढ़ा दूं भाई अगर अनुमति दो तो ठीक है शुक्रिया सबका तो अब इंडिया में एक नया ऑफिस बन गया वो ऑफिस है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया लेकिन ये ऑफिस इंग्लैंड में है इंडिया में नहीं है क्योंकि ये इंग्लैंड में एक मिनिस्टर है कैबिनेट मिनिस्टर जो भारत के संबंध भारत के प्रशासन के लिए इंग्लैंड में बैठा हुआ है और इंग्लैंड में इस बंदे को पंद्रह मेंबर का एक काउंसिल मिला 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया राइट तो ये मिनिस्टर हैं और ये 15 मेंबर जो इनके सिविल सर्वेंट्स का रोल प्ले करेंगे मिनिस्टर साहब हैं उनके सेक्रेटरी होंगे अंडर सेक्रेटरी होंगे राइट right? सारे लोग होंगे ना तो एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और पंद्रह मेंबर का एक काउंसिल बना दिया गया समझ आ गई आपको यह बात ना एटीन के एक्ट ने गवर्नर जनरल साहब को साथ में वाइस रॉय बना दिया और डबल गवर्नमेंट को खत्म कर दिया एक नया ऑफिस बनाया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का और उसको साथ में पंद्रह मेंबर का काउंसिल दे दिया अब अगर थोड़ा सा इसको इलैबोरेट करके समझें सो so, एक गवर्नर जनरल है वही आदमी वाइस रॉय भी है वाइस रॉय भी है जो तो गवर्नर जनरल है इनका बॉस है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो है वो गवर्नर जनरल का बॉस है इंडिया में क्या होता है ब्रिटिश इंडिया में क्या होता है जो अंग्रेजों ने जीत लिया

सीधे ब्रिटिश क्राउन से बात करते हैं राजा या महारानी से फिर वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या प्राइम मिनिस्टर से बात नहीं करते हैं राजाओं के संबंध राजाओं से और ब्रिटिश एडमिनिस्टर के कंट्रोल में है कंट्रोल है उस पर ब्रिटिश पार्लियामेंट का और ब्रिटिश सरकार का आई होप यहां तक सब क्लियर हो गया होगा यहां तक अगर कोई डाउट आया गाइस तो प्लीज एक बार बता दो नहीं तो फिर आगे बढ़े एंड आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग थिंग्स प्रॉपरली कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही है रोहित यार कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो शुरू क्यों किया अगर पूरा नहीं करना था यार किस बात का डाउट है डे ड्रीम बेटा कौन सा तुम्हारा डाउट मैंने सॉल्व नहीं किया कितना ही प्यारा नाम है तुम्हारा वो ट्रेड ही नहीं कर सकता गौरव बेटा गोहेट तो तब करूं ना जब सारे स्टूडेंट खुश भी हो जाएं इतनी मेहनत भी कर रहा हूं खड़े खड़े बोली जा रहा हूं गला भी दुख गया थोड़ा सा जोर से बोलने से लेकिन आप खुशी नहीं हुए डे ड्रीम कह रहा मैं डाउट नहीं ले रहा तो उसका डाउट ले लें और अन, अनुराग राणा ने पूछा फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन था तो फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे अर्ल स्टैनले अर्ल स्टैनले ये फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बने थे ठीक है नवनीत बता दिया मैंने आपका डाउट भी देखो ऑलरेडी बता दिया अब डे ड्रीम पता नहीं कहाँ गया मुझे नाम बड़ा पसंद आया था आई थॉट कि एक बार दोबारा मेरा भाई मेरे से डाउट पूछ ले तो मैं आगे चलता हूँ पर वो भागी गया मुझे लगता है नाराज हो गया डे ड्रीम भाई अरुण चौधरी कह रहे हैं टेलीग्राम का ग्रुप शेयर कर दो बेटा बड़ा सिंपल है राज मल्होत्राज आईएएस एक बार टाइप करके देखो टेलीग्राम में मिल जाएगा या यार डे ड्रीम दिल तोड़ दिया तूने भाई आ गया आ गया आ गया सर आई वांट टू आस हमें इस लेक्चर के अलावा भी और पढ़ना है बेटा इतना ही पढ़ लोगे तो पेपर क्लियर हो जाएगा अभी तुम्हें पिछले क्वेश्चंस भी दिखाता हूँ जो पिछले सालों में आया ठीक है और नीति का बेटा वाइस रॉय क्राउन को आंसर करेगा क्राउन को ठीक है चलो थोड़ा और पढ़ ले और बेटा मैं सबके डाउट्स लूंगा मैंने क्या बोला था इस क्लास का हम प्लान क्या करेंगे फाइव टू सेवन सेवन करेंगे राइट और उसके बाद थोड़े से डाउट्स ले लिया करेंगे मेरे को ये था कि तुम लोगों को उतनी हाई क्वालिटी के साथ पढ़ा दूं उसी कमिटमेंट के साथ जैसे मैं अपने पेड कोर्सेज में पढ़ाता हूँ बट अगर ऐसे चलेगा फिर तो आप लोग ऐसा चाहते हो कि सर थोड़ा कम पढ़ा दें है ना अगर चाहते हो कम पढ़ना तो बता दो मैं थोड़ा कम पढ़ा देता हूं चलें कंटिन्यू करें फिर चलो सो so, 1858 का एक्ट हमने कर लिया इसके बाद अगला एक्ट हुआ इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 और यह भी ना लॉर्ड कैनिंग के टाइम पर ही पास हो गया था अगर कभी पूछा जाए ना किसके टाइम पर हुआ तो लॉर्ड कैनिंग के टाइम पर ठीक है इसमें क्या था ऑफ ऑफ रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेटिव नाउ वी से ना ठीक है जब उन्होंने बोला ना बिगनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन इसका ना लॉजिक समझ लो और साथ में उसका तुम्हें थोड़ा सा फैक्चुअल भी जो है वो इजीली याद हो जाएगा तो ध्यान से समझना अब इस चीज को ताकि भूलो मत आगे ठीक है तो लॉर्ड कैनिंग साहब जो थे गवर्नर जनरल रॉय बन गए उन्होंने पता है क्या सोचा उन्होंने बोला यार देखो हुआ पता है क्या भारत में इतना बड़ा जो तुमने विद्रोह करा दिया का 1857 का जो रिवोल्ट हुआ ना इसका कारण समझो क्या हुआ विलियम बेंटिक भाई थे हमारे इंग्लैंड से आए हुए थे गवर्नर जनरल साहब थे उनको आके राम मोहन रॉय जी मिले और उन्होंने बोला भाई साहब सती बैन कर दो तो विलियम बेंटिक ने कहा तथास्तु कर दिया फिर ईश्वर चंद्र विद्या सागर भाई आए और वो हमारे डलहौजी भाई से मिले और उन्होंने बोला भाई क्या विधवा पुनर्विवाह हो सकता है विडोरी मैरिज को आप लीगलाइज करोगे इन्होंने बोला गो हेड कर देते हैं भाई आप ना किसी एक भारतीय से मिलते थे और उसकी बात सुन के आप उसको मान्यता दे देते दे थे तो उसको पारित कर देते थे जबकि होना पता है क्या चाहिए था जब आपने ऐसा कोई नया कानून बनाना था तो आपका जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली है जो भी आपकी विधान पालिका है उसमें आपको एक आधा कोई भारतीय, एक आधा कोई इंडियन मेंबर बिठा लेना चाहिए था, ताकि जब आप कानून पारित करो, तो आप उस भारतीय सदस्य का विचार भी जान लो वो भारतीय सदस्य जो होगा वो आपको बताएगा कि इस कानून से भारत में कोई उपद्रव तो नहीं हो जाएगा कोई अफीविल तो नहीं आ जाएगा तो हमें क्या करना चाहिए इंडियन मेंबर्स इन लेजिस्लेचर लेके आने चाहिए ये लॉर्ड कैनिंग ने बात समझ ली अब ये समझकर उन्होंने इंडियन काउंसिल एक्ट जो था वो पास किया और बिगनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस को इंट्रोड्यूस किया अब जब बिगनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन हुए तो डिसीजन क्या लिया गया एटीन के एक्ट में डिसीजन लिया गया कि देयर विल बी सिक्स टू ट्वेल्व एडिशनल सिक्स टू ट्वेल्व एडिशनल legislative councilors 6 to 12 additional legislative councilors nominated nominated without right to vote right to vote and some can be indians some can be indians तो निर्णय ये लिया गया कि छः से बारह एडिशनल लेजिस्टिव काउंसलर्स अब आप शामिल कर लो गवर्नर जनरल के काउंसिल में जो कि नॉमिनेटेड होंगे इलेक्शन नहीं कराएंगे भारत में चुनाव नहीं होंगे और विदाउट राइट टू वोट होगा वो सिर्फ आपके साथ आके बात कर पाएंगे लेकिन फाइनल डिसीजन आप ही लेना उनके साथ वोटिंग मत करवा लेना कि आप भी वोट डाल दो और उनमें से भी कुछ भारतीय रख लो सारे क्यों रखने हैं और पहली बार 1862 में थ्री इंडियन में जल्दी से बताओ वाह क्या बात है? Boy, so तुमने तो पहले ही आंसर दिया हुआ है, महाराजा ऑफ पटियाला और दूसरे थे सर दिनकर राव और तीसरे थे राजा ऑफ बनारस एक थे महाराजा ऑफ पट्याला दूसरे थे राजा ऑफ बनारस और तीसरे थे सर दिनकर राव सर दिनकर राव पता है कौन है ये सिंधिया जो होते थे ना मराठा लीडर सिंधिया ये सिंधिया के प्राइम मिनिस्टर होते थे राइट तो तीन इंडियन मेंबर बिठा दिए गए अब ये तीन इंडियन मेंबर हमारे साथ बैठेंगे हम इनसे सलाह कर लेंगे इनका जो है वो मशवरा ले लेंगे तो पता होगा कि भारत में कानून पास करने से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है अकॉर्डिंगली चीजों को हैंडल कर लेंगे तो ये था प्रोसेस इंडियन काउंसिलोविंशियल थे ना गवर्नर बॉम्बे का मद्रास का उनको थोड़ी पावर्स रिस्टोर कर दी गई न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन बंगाल नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस एंड पंजाब राइट यहां पर नए बना दिए गए

आगरा नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस एंड पंजाब यह बना दिया गया रिशव शर्मा जी ऐसा करना एक बार ना बाद में आप लेक्चर देख लिया करना फिर से ठीक है दोबारा देखोगे ना फास्ट फॉरवर्ड करके वहीं पे जाके चीज सुन लिया करना अगर ऐसे बच्चे में सबके बार बार रिपीट करूंगा ना फिर तो लेक्चर कभी हमारे खत्म ही नहीं हो पाएंगे आई होप यू ऑल एग्री एंड अंडरस्टैंड दिस शिफाली बेटा रोज शाम को क्लास लूंगा शेड्यूल क्या होता है वो मुझे नहीं पता अगर किसी दिन मैं बीमार हो गया मैं मर गया तो फिर कोई और आके क्लास लेगा बेटा तो मैं कैसे बता दूं कि कल क्या होगा प्लान ये है कि मैं आपको अगले आठ दिन में इंडियन पॉलिटी आठ से दस दिन में इंडियन पॉलिटी कराना चाहता हूं अरे मेरा सबसे प्यारा स्टूडेंट नितिन आ गया लव यू नितिन चलो आगे पढ़ ले अब 1861 के एक्ट के साथ पोर्टफोलियो सिस्टम भी आ गया पोर्टफोलियो सिस्टम पता क्या होता है जैसे हम बोलते हैं ना कि होम डिपार्टमेंट एक मिनिस्टर का होगा फाइनेंस डिपार्टमेंट दूसरे मिनिस्टर का होगा हेल्थ डिपार्टमेंट तीसरे मिनिस्टर का होगा ये होता है पोर्टफोलियो सिस्टम तो लॉर्ड कैनिंग के टाइम पर 1861 के जो इंडियन काउंसिल एक्ट है उसके साथ इंडिया में पोर्टफोलियो सिस्टम भी आ गया और जो वॉइस रॉय है यहाँ पे ना वॉइस रॉय लिखना नहीं चाहिए क्योंकि मैंने अभी क्या बताया वॉइस रॉय तो प्रिंसिस के लिए था तो यहां भी गवर्नर जनरल होना चाहिए गवर्नर जनरल को ऑर्डिनेंस जारी करने की पावर दे दी गई ऑर्डिनेंस क्या होती है ये हम पॉलिटी में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आज हम सिर्फ इसका बैकग्राउंड कर रहे हैं सो मुझे पता है कुछ लोगों को ऑर्डिनेंस नहीं पता होगा बहुत बहुतों को पता भी होगा लेकिन चिंता मत करना ऑर्डिनेंस क्या होता है हम आगे इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आर्टिकल सौ 213, गवर्नर की पावर प्रेसिडेंट की पावर सब कराऊंगा राइट right? इसके बाद ना जो अगला मेन एक्ट पास पास हुआ हुआ वो 1892 में पास हुआ है और 1892 का एक्ट एक्ट वो पहला एक्ट है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनने के बाद हुआ था 1885 में कांग्रेस बनी है अब कांग्रेस ने बहुत सी मांगे कर दी थी कांग्रेस ने ब्रिटिश के सामने लाकर बहुत सी अपनी डिमांड्स रखी हैं उसको देखते हुए इन्होंने ये एक्ट पास किया कांग्रेस की एक सबसे बड़ी डिमांड थी कि इंडिया में लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स करो और रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन जो है वो प्रॉपरली डिमांड तो को देखते हुए इंक्रीज द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स तो भारत में एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेचर किया गया बाय दिस एक्ट ऑफ 1892 एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ जब 1861 का एक्ट पास हुआ था तो क्या बोला था सिक्स टू ट्वेल्व एडिशनल लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स होंगे अब इन्होंने क्या कर दिया 1892 में इन्होंने बोल दिया भाई साहब अब ये होगा टेन टू सिक्सटीन एडिशनल लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स होंगे तो थोड़ा नंबर बढ़ा दिया गया पावर ऑफ डिस्कसिंग द बजट दे दी गई अब डिस्कशन ऑफ बजट की पावर दी है बजट पे वोटिंग की पावर नहीं दी गई थी आप बजट पे बहस कर लोगे पूछ लो कि भाई ये पैसा कहाँ जा रहा है इसको ही तो बोलते हैं ना धन की निकासी द ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया तो आप पूछ सकते हो आप उसके बारे में बात कर लो भी पैसा कहा जा रहा है हम बता देंगे हम इंग्लैंड लेके जा रहे हैं लेकिन आप उस पर वोट डाल के हमें रोक नहीं पाओगे इतनी शक्ति नहीं आपको दे रहे भारतीयों को अभी अंग्रेज डन देन इसके बाद नॉमिनेशन ऑफ सम नॉन ऑफिशियल में इसमें ऐड कर दिया गया तो ये थे कुछ खास फीचर्स 1892 के एक्ट के अब अगला एक्ट जो आया वो था मिंटो मॉरले रिफॉर्म या इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 आपके प्री के हिसाब से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट 1909, 1919 और 1935 के बनते हैं ये तीन एक्ट करने के बाद मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिखाऊंगा जो पिछले तीन बार के एच के एग्ज़ाम में आए हैं और आप उसके बारे में देखना और फिर मुझे बताना कि आपको अब क्या लगता है कि क्या आप इजिली अपना एच का एग्जाम कर पाओगे या नहीं कर पाओगे ठीक है इसके बाद फिर मैं आपको आगे का प्लान भी बताऊंगा और मीन अगर किसी ने अभी भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो सिंपल है राज मल्होत्रास आई के नाम से आप इस ग्रुप को ज्वाइन करोगे तो आपको रेगुलरली अपडेट्स भी मिलते जाएंगे और नोट्स भी मिलते जाएंगे और साथ में आप अपने यूट्यूब चैनल राज मल्होत्रा आई को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि अगर हम आपके लिए कोई भी और करंट अफेयर्स के या बाकी लेक्चर्स लेके आए आपको वो भी मिलते जाएँ हिमाचल के कंपोनेंट के ऊपर अलग से लेक्चर्स भी होंगे नोट्स भी मिलेंगे हिमाचल के अलग से करंट अफेयर्स भी होंगे और हिमाचल के अलग से एमसीक्यूज भी होंगे वी विल नॉट मेक एनी कॉम्प्रोमाइज whatsoever with the विद द क्वालिटी ऑफ द कंटेंट एंड कमिटमेंट फॉर दिस फ्री ऑफ कॉस्ट बैच ऑल पार्थ बेटा सिर्फ एक जगह शेयर करूंगा टेलीग्राम में मैं हर जगह नहीं शेयर कर सकता व्हाट्सएप ग्रुप में ना बेटा बहुत से ग्रुप है एक बार में सिर्फ पांच में कर सकते हो फिर मैं तो इसी काम पे लगा रह जाऊंगा पढ़ना पढ़ाने का तो काम ही गया ध्रुव डोडा बिल्कुल दे सकते हो ठीक है चलो सोना मिंटो मोल रिफॉर्म्स के लिए ना थोड़ी सी बैकग्राउंड दिमाग में रखते हैं हुआ क्या 1885 में बन गई है कांग्रेस बनने के बाद भारत में लोगों ने अब अंग्रेजों से बहुत से सुधार करने के लिए मांग करनी शुरू कर दी थी राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म जो है वो पिनेक्ल की तरफ जा रहा है अपने ना धीरे धीरे वो ग्रो करता जा रहा है कांग्रेस अंग्रेजों से बार बार डिमांड्स कर रही है भारत की नेशनलिज्म को स्ट्रांग होता देखकर अंग्रेज थोड़ा घबरा भी रहे हैं तो अंग्रेजों ने चाल चली कि हम ना उन्नीस में पार्टीशन ऑफ बंगाल कर देते हैं बंगाल का विभाजन करके हिंदू मुसलमान को लड़ा देते हैं उससे क्या होगा डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी हमारी सक्सेसफुल हो जाएगी लेकिन थोड़ा सा ना ये बैकफायर कर गया जैसे इन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल किया तो भारत में जो रेवोल्यूशनरीज़ थे जो क्रांतिकारी थे राइट right? वो थोड़ा भड़क गए और अब यहाँ पर तो उनके ऊपर अटैक्स होने शुरू हो गए थे अगर आप याद करो तो 1907, 8, 9, 10 वाले जो साल है कभी वो प्रफुल्ल चक्की खुदीराम बॉस जाते हैं वो मुजफ्फरपुर में बॉम्ब गिरा देते हैं अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस आ जाता है तो अभिनव भारत अनुशीलन समिति इन्होंने तो एकदम से तबाही करनी शुरू कर दी अंग्रेज़ों के लिए अंग्रेज और घबरा गए अंग्रेज़ों को ये लगा कि भाई हमारी वो चाल तो ठीक है कि हमने हिंदू मुसलमान अलग कर दिया लेकिन जो अब अचानक हिंदुस्तान में क्रांतिकारी आ गए हैं साथ में जो आ गए हैं जो जिन्हें हम एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं हैं मिलिटेंट नेशनलिस्ट जिन्हें कह देते हैं। वो भी आ गए तो हमें ना जो कांग्रेस के नरमपंथी थे जो मॉडरेट्स थे उनकी थोड़ी सी डिमांड अब फटाफट से पूरी कर देनी चाहिए ताकि जो सबसे पॉपुलर पार्टी है कांग्रेस वो अंग्रेजों के साथ खड़ी हो जाए कि अंग्रेज सुधार कर रहे हैं तो इनके साथ अब ज्यादा लड़ाई झगड़ा ना किया जाए So, हुआ क्या है 1905 में बंगाल का विभाजन करके हिंदू मुसलमान को लड़ाने की साजिश शुरू करके अंग्रेजों को लगा कि भाई क्रांतिकारियों को भी रोकना पड़ेगा इसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने मिंटो मॉरले रिफॉर्म पास किया अब कांग्रेस की मेन डिमांड क्या थी मॉडरेट ग्रुप की कि लेजिस्लेटर को प्रॉपरली आप एक्सपेंड करो सो इंक्रीज द साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स फ्रॉम सिक्सटीन टू सिक्सटी कर दिया गया पहले क्या था टेन टू टाइम प्रोवाइडेड एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद द एग्जेक्टिव काउंसिल्स यानी कि भारतीय अब मंत्री भी बन सकते हैं एग्जेक्टिव काउंसिल होता है मंत्री बन जाना तो आपको मंत्री वाली पोजीशंस भी देने को तैयार हो गए ऑफ द वॉइस रॉय एंड गवर्नर्स राइट सेंटर स्टेट दोनों जगह पे आपको गवर्नर बना दे आ, मिनिस्टर बनाने की बातें शुरू कर दी हैं और पहले भारतीय फर्स्ट इंडियन जो कि एग्जेक्टिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल के मेंबर बने वो पता है कौन है वो थे जल्दी से चलो नाम लिखो एक बार देखते हैं वो कौन थे फर्स्ट इंडियन टू बिकम अ एग्जेक्टिव मेंबर ऐसे मत करो यार इतनी सारी बातें लिखते हो अब ये वाली चीज के ऊपर इतना टाइम मैं इतना तुम्हें हिंट दे देता हूं इतना हिंट दे देता हूं ही द सेकेंड इंडियन टू बिकम अ मेंबर इन ब्रिटिश पार्लियामेंट वेरी गुड एस पी सिन्हा एक्सीलेंट एस लॉर्ड एस पी सिन्हा ये लॉ मेंबर बने थे लॉ मिनिस्टर बन गए थे उस टाइम पर राइट फर्स्ट इंडियन इन द एग्जेक्टिव काउंसिल सो अभी तक क्या किया लेजिस्लेचर का साइज इंक्रीज किया 60 बना दिया एक इंडियन को एग्जेक्टिव काउंसिल का मेंबर बना दिया साथ के साथ हिंदू मुसलमान की लड़ाई बढ़ाने के लिए सिस्टम ऑफ कॉमनल रिप्रेजेंटेशन कर दिया मुस्लिम लोगों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस कर दिया सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम सेपरेट इलेक्टोरेट जहां पर मुसलमान खड़ा होगा वहां पर सिर्फ मुसलमान ही वोट डालेगा मुसलमान इलेक्शन लड़ेगा और केवल मुसलमान ही वोट डालेगा अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो समझो होगा क्या मुसलमान चुनाव लड़ेगा मुसलमान वोट डालेगा तो जो नेता है उसको पता है कि हिंदू तो मेरे को वोट ही नहीं डालता तो वो हिंदू की किसी समस्या का समाधान करेगा ही नहीं तो हिंदू मुसलमान आपस में लड़के अलग हो जाएंगे ये सोच के सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस किया गया था सिस्टम ऑफ कॉम्यूनल रिप्रेजेंटेशन आ गया सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम कर दिया गया और इससे लीगलाइज किया गया कॉम्यनलिज्म को कॉम्युनलिज्म क्या होता है सांप्रदायिकता तो दो संप्रदाय हिंदू मुसलमान को अलग करने के को लीगल वे बना दिया अंग्रेजों ने कि हिंदू पे पे है वहाँ पे तो कोई भी वोट डाल दे लेकिन पे मुसलमान इलेक्शन लड़ेगा वहाँ पे सिर्फ सिर्फ और मुसलमान ही वोट डालेगा तो बढ़िया चाल चल दी और हमारी एकता को खंडित कर दिया तोड़ दिया साथ ही साथ सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेजिडेंसी कॉर्पोरेशन जैसे ना म्यूनिसपैलिटीज होती हैं उस तरह से चैंबर्स ऑफ कॉमर्स बिजनेस लोगों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट यूनिवर्सिटीज एंड के लिए भी कर दिया गया इनको सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दे दिया कि आपके लिए भी कुछ सीटें हम रिजर्व कर देते हैं ठीक है ये हो गया 1919 का एक्ट अब आता है अगला 1919 का एक्ट जो कि है मोनटेगलेम्सोड रिफॉर्म्स जो मोन्टेग्यो चिलेम्सफोर्ड रिफॉर्म था मोन्टेक्यो चलेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो है ना इसकी भी पृष्ठभूमि देखो बैकग्राउंड देखो हुआ क्या है वर्ल्ड वार वन चल रही थी 1914 से लेकर 1918 तक वर्ल्ड वर्ल्ड वार वन वर्ल्ड वार वन 1914 से लेकर 1918 तक चली फ्रॉम 1914 टू 1918 अब ड्यूरिंग वर्ल्ड वार ना ब्रिटेन को ना इंडिया से सपोर्ट चाहिए था हेल्प चाहिए थी ताकि इंडिया में ज़्यादा गड़बड़ ना हो और अदर इंडियंस अपना मैन मनी मटेरियल विलिंगली हमें दें और हम लड़ाई लड़ें और जर्मनी से किसी तरह जीत जाएं तो अंग्रेज़ों ने ना भारतीयों को थोड़ा दबाना थोड़ा लुभाना दोनों काम किए दबाने के लिए एक्ट पास कर दिए लुभाने के लिए वादे कर दिए कि भाई लड़ाई ख़त्म होगी आपको बड़े सारे गिफ्ट दे, दे देंगे आपको थोड़ा सा सेल्फ रूल दे देंगे जैसी आपकी इच्छा वैसा कर देंगे तो हमने ना उनकी थोड़ी लड़ाई में मदद कर दी अब हमें लग रहा था भाई अच्छे दिन आएंगे बट हुआ तो हमारे साथ गलत अच्छे दिन तो क्या ही आने थे उन्होंने एक तो रॉलेट एक्ट पास कर दिया रॉलेट एक्ट जिसमें उन्होंने लड़ाई के खत्म होने के बाद भी भारत में इमरजेंसी आपातकालीन लगा के रखा और साथ में जब उन्होंने मोन्टेगो चलम्सफोर्ड एक्ट पास किया उसमें भी हमारे साथ धोखा हो गया इसीलिए इंडियन नेशनलिस्ट जो लीडर्स थे उन्होंने बोला था कि ये जो रिफॉर्म है ये शैम रिफॉर्म्स हैं शैम रिफॉर्म्स और फिर श्रीकांत कहता है फैमिली मैन टू में शैम शैम क्या होता है शैम क्या होता है फेक तो इंडिया के लिए फेक एक्ट पास कर दिया फेक रिफॉर्म्स कर दिए केवल नाम मात्र मिला कुछ भी नहीं मिला हमें बाबा जी का ठुल्लू था समझ आ गई ये बात क्लियर है ये कॉन्सेप्ट सबको कि वाई देवर कॉल्ड शैम रिफॉर्म्स क्योंकि हमें मिला कुछ भी नहीं था तो अब हुआ क्या इस एक्ट के साथ सबसे पहले जो चीज हुई वो थी डायार्की इसको बोलते हैं प्रोविंशियल डायरकी आओ तुम्हें आज प्रोविंशियल डायरकी को थोड़ा सा इलेबोरेट करके समझा दूं ताकि पेपर में कोई प्रॉब्लम कोई डाउट ना आए ठीक है तो अभी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एक सेवन शेड्यूल है मैं इसको शेड्यूल ही बोलूंगा भाई ओल्ड स्कूल टीचर तो सेवन शेड्यूल में ना तीन लिस्ट है एक है यूनियन लिस्ट इस पे पार्लियामेंट कानून बनाता है एक है स्टेट लिस्ट इस पे विधानसभाएं कानून बनाती हैं और एक है लिस्ट इस पे पार्लियामेंट या स्टेट विधानसभाएं कोई भी कानून बना देता है ठीक है तो जब हमने ना 1919 का एक्ट पास किया और उसमें प्रोविंशियल डायरकी लेके आए तो हमने बोला कि आज से उससे पहले तो कुछ भी नहीं था हमने बोला आज से दो लिस्ट कर देते हैं यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट की तरह उस टाइम पे ये नाम नहीं था उस टाइम पे नाम रखा गया कि जो सब्जेक्ट्स ऑफ लेजिस्लेशन है सब्जेक्ट्स ऑफ लेजिस्लेशन जो है जिन चीजों पे कानून पारित करना होता है विषयों पे उन्हें दो भाग में विभाजित कर देते हैं एक को नाम दे देते हैं सेंट्रल लिस्ट का केंद्र सरकार के पास जाएगी और एक को नाम दे देते हैं प्रोविंशियल लिस्ट का प्रांतों के पास जाएगी केवल दो लिस्ट बना देते हैं राइट फिर अंग्रेजों ने बोला ऐसा है कि जो तो सेंट्रल लिस्ट है ना जैसे कि डिफेंस ऑफ इंडिया हो गया कानून पारित करना कोई भारत की सुरक्षा को लेके फिर जो आपकी करेंसी हो गई ये तो सारी ऐसी चीजें हैं फॉरेन अफेयर्स हो गए जो केंद्र सरकार ही करती है आज भी केंद्र सरकार ही करेगी है ना तो ये तो जो है ये तो गवर्नर जनरल साहब के पास पावर है और वो अपनी मर्जी से काम करेंगे भारतीय लोगों की इतनी अभी क्षमता नहीं है कि वो हमें सुझाव दे और उनके सुझाव के अनुसार हम काम करें ऐसा नहीं होगा ना कि यू इंडियंस यू ब्लडी इंडियंस वो तो बोलते होते थे दैट यू कम एंड टेल द गवर्नर जनरल लाट साहब को तुम बताओगे कि वो क्या काम करें इतनी पावर नहीं 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 ऐसा नहीं होगा प्रोविंशियल लिस्ट की बात करते हैं यहां पे पावर वैसे तो गवर्नर के पास होगी जो प्रांतीय गवर्नर होंगे उनके पास पावर होगी लेकिन हम में इलेक्शंस कराते हैं ठीक है इलेक्शंस करा के इंडियन लोगों को मंत्री बनाएंगे इंडियंस को मिनिस्टर्स बनाएंगे ये जो भारतीय मंत्री होंगे ना ये गवर्नर को सलाह दिया करेंगे राय दिया करेंगे राइट ओपिनियन इनका होगा एडवाइस देंगे और गवर्नर उसके अकॉर्डिंगली काम किया करेगा तो ऐसा करते हैं भाई प्रांतों प्रांतों में 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 आपको थोड़ी सी जो है पावर ट्रांसफर करते हैं हैंड्स आप अपने मंत्री बनाओ और अपना काम करना शुरू कर लो देश को चलाने के लिए तैयारी करो अभी थोड़ी सी ना प्रांतीय लेवल पर यहाँ पर नहीं आपको सेंटर में नहीं पावर्स मिलेंगी हमने कहा भाई बहुत अच्छी बात है प्रांतों में तो दो चलो अच्छी बात है भाई इन्होंने धोखा दे दिया इन्होंने पता क्या किया ये कहते हैं कि जो प्रोविंशियल लिस्ट है इसको भी दो पार्ट में डिवाइड करेंगे राइट right? एक होंगे रिजर्व सब्जेक्ट रिजर्व सब्जेक्ट और दूसरे होंगे ट्रांसवर्ड सब्जेक्ट जो तो है आपके ट्रांसवर्ड सब्जेक्ट इस पे तो भैया इंडियन मिनिस्टर जो हैं वो गवर्नर साहब को सलाह देंगे और गवर्नर साहब आपकी सलाह के मुताबिक काम करेंगे ट्रांसवर्ड सब्जेक्ट्स पे इंडियन मिनिस्टर एडवाइस एंड एक्ट अकॉर्डिंग लेकिन जो रिजर्व सब्जेक्ट है ना भाई वो पता है क्या है? जैसे आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर्स के पास होती हैं, जहां पे वो अपने चीफ मिनिस्टर से नहीं पूछते सीधा प्रेसिडेंट से बात करते हैं तो रिजर्व सब्जेक्ट कुछ उस तरह के थे जहां पर गवर्नर ऑफ प्रोविंस विल आईदर डिसाइड इन ही कैन कंसल्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो यहां पे ना आपके मंत्री हमें नहीं करेंगे, हम खुद डिसाइड करेंगे यू, हम बिल पास नहीं करेंगे फिर इसका मतलब है ना अगर आपने हमें दे दिया तो फिर इन्होंने बोला हमने आपको आ, सैनिटेशन भी दे दिया हमने कहा बढ़िया भाई फिर हम स्वच्छ भारत भी चला लेंगे फिर इन्होंने बोला हम आपको ना हेल्थ भी दे देते हैं हेल्थ भी आपका हमने कहा बहुत बढ़िया फिर तो हम कोविड के लिए फटाफट से सारे अरेंजमेंट कर देंगे फिर इन्होंने बोला हम आपको एजुकेशन भी दे देते हैं भाई आप ही अपने देश को पढ़ा लो हमने कहा ठीक है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभी कर देंगे सर्व शिक्षा अभियान भी ला देंगे हम तो गदर मचा देंगे अंग्रेज कहते हैं जो करना करो सब तुम्हारी मर्जी है हमने बोला ठीक है भाई फिर एक काम करो हॉस्पिटल बनाने के लिए पैसे दो अंग्रेज कहते भाई ऐसा ये बताना जरूरी है कि फाइनेंस रिजर्व सब्जेक्ट है पैसे तो गवर्नर साहब अपनी मर्जी से देंगे बाकी आपने सलाह दिया स्कूल बनाना बना लो हमने मना नहीं किया आप स्कूल बनाओ हॉस्पिटल बनाओ जो करना है हमने कहा भाई खेती में फसलें खड़ी हैं सूख रही हैं पानी चाहिए इरिगेशन के लिए बताओ वो कहते हैं यार इरिगेशन तो रिजर्व सब्जेक्ट है वो नहीं आपको दिया हमने ऐसे नहीं आप मर्जी से नहर नूर बना लोगे डैम बना दोगे ऐसे थोड़ा पैसे भी लगते हैं तो वो हमारे पास हैं मंत्रियों ने शोर मचा दिया थोड़ा हाई हाई का नारा लगा दिया और बोला हम धरने पर बैठ जाएंगे तो उन्होंने बोला भाई लॉ एंड ऑर्डर भी तो रिजर्व सब्जेक्ट है ना पुलिस जो है वो तो सेंटर के पास है हमारे कंट्रोल में है डंडा मार के उठा के भगा देंगे यहां से अगर नारे नूरे लगाए यहां बैठ के तो भाग दो यहां से तो अब इनको लगा कि भाई ये तो पंगा पड़ गया इसीलिए इसको शैम रिफॉर्म का नाम दिया गया था शैम रिफॉर्म हो गया क्लियर शुभम गुप्ता भाई जो पढ़ा रहे हैं वो भी तो पढ़ लो यार क्लास में पढ़ने हो या सवाल पूछने आए आयो एचपी कब शुरू होगा स्टार्टिंग में बता दिए थे हम कि एचपी भी पढ़ा देंगे सब पढ़ाएंगे भाई प्रॉमिस किए हैं तो निभाएंगे बीच में किसी को नहीं छोड़ेंगे अब सो कमिंग बैक टू इट इंट्रोड्यूस डायार्की जो कि प्रोविंशियल डायरकी थी दूसरा फर्स्ट टाइम इंडिया में कैमरलिज्म आया bicameralism, bicameralism पता ना दो सदन बना दिए गए अपर हाउस एंड लोअर हाउस राज्यसभा लोकसभा एंड इंडिया में डायरेक्ट इलेक्शंस भी कर दिया गया. में अब तीन इंडियन मेंबर आ गए पहले एक था अब तीन मंत्री बनाए गए प्रिंसिपल ऑफ कॉमनल रिप्रेजेंटेशन इन्होंने क्या किया अब सिखों को भी सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया सिखों को एंग्लो इंडियंस को जिनमें से एक माँ बाप में से एक भारतीय और साथ में क्रिश्चियंस को भी सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया 1909 में सिर्फ मुसलमान को सेपरेट इलेक्टोरेट मिला था मुस्लिम्स को 1919 में सिखों को भी दे दिया एंग्लो इंडियंस को भी क्रिश्चियंस को भी मुसलमान का तो कॉन्टिन्यू कर ही दिया ठीक है फिर नाइनटीन नाइनटीन के एक्ट के साथ हाई कमिश्नर हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंडन बनाया गया ठीक है और एक पब्लिक सर्विस कमीशन भी अपॉइंट किया गया एंड यहां पर सेपरेटेड प्रोविशियल बजट फ्रॉम द सेंट्रल बजट तो फाइनेंशियल का डिस भी और आगे बढ़ गया अब आती है लास्ट एक्ट ये हमारा लास्ट एक्ट है इसके बाद में आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाऊंगा और उसके बाद फिर मैं आज आपके डाउट लूंगा पहली क्लास है तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं कल से फिर हम इसको थोड़ा प्रॉपर समय तक खींचेंगे ताकि आपका सिलेबस टाइम पे खत्म हो आप रिपीट रिवाइज कर सको बार बार और आप टेस्ट देके अपनी वैल्यूएशन भी कर सको ठीक है बेटा सो so, 1935 के एक्ट की अगर पृष्ठभूमि समझी जाए अगर इसका बैकग्राउंड समझा जाए तो इस समय पर पता है क्या हुआ है 1930 में गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कर दिया है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करने से गांधी जी ने यह तो साफ कर दिया कि देखो भारत अब अंग्रेजों से डरता नहीं है ना ही हम तुम्हारे कानून की कोई अब रिस्पेक्ट करते हैं और हम तो लड़ने को तैयार हैं राइट लोग सड़कों पे आ गए हैं और कानून तोड़ दिए गए हैं दूसरी बात अंग्रेजों ने अपनी तरफ से आपको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए लंडन बुला लिया गोलमेज समागम कर दिया उन्नीस सौ और बत्तीस तीन बार अंग्रेजों ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कर दी लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला क्योंकि कांग्रेस ने इसमें भागी, भागी नहीं लिया था कांग्रेस भाग गई आते इंग्लैंड हमें नहीं कभी बात करनी राइट अब हुआ ये इन दोनों से भी पहले एक और भी इवेंट हुआ था नाइनटीन में साइमन कमीशन भी आया था और साइमन कमीशन को भी हमने कह दिया था गो बैक कि हमें नहीं तुमसे बात करनी अब ये सब हो क्यों रहा है अगर हम ये समझें कि इतना कुछ हो क्या रहा है तो देखो 1909 में जब इन्होंने मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म पास किए थे इन्होंने बोला था भाई 10 साल के बाद अगले रिफॉर्म पास कर देंगे तो अगले रिफॉर्म 1919 में पास हुए थे मोंटेग्यू चेलेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से राइट इस पर फिर बोल दिया कि 10 साल के बाद फिर से अगला एक्ट पास होगा जो कि 1929 में पास होना था अब जब 1929 में एक्ट पास होना था अंग्रेजों ने 1927 में 1927 में साइमन कमीशन अपॉइंट कर दिया और वो साइमन कमीशन 1928 और 1929 दो बार इंडिया आया पहले 1928 में फिर 1929 में कि चलो मैं जाके भारतीय नेताओं से मिल लेता हूं उनकी बात सुन लेता हूं कि वो किस तरह का नया हमसे एक्ट चाहते हैं उनकी क्या इच्छा है लेकिन हमने बोल दिया साइमन गो बैक ठीक है अब हमने साइमन को वापिस भेजा और उन्नीस में पंडित नेहरू ने पूर्ण स्वराज की बात कर दी कि हमें तो अब पूर्ण स्वराज चाहिए हमें तो पूरी आज़ादी कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए अब इस पूर्ण स्वराज के लिए 1930 में हमने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला दी अंग्रेजों ने बोला भाई बात तो कर लो आके क्या हो गया उन्होंने राउंड टेबल बुला ली हमने बात बूत की नहीं राउंड टेबल भी फेल हो गई इधर सिविल डिसोबीडियंस भी पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं हुआ अब इस सबके चलते हुए उन्होंने 1935 का एक्ट पास किया ताकि वो हमारी काफी इच्छाओं को पूरा कर सके और इसलिए कि हम उनसे पूर्ण स्वराज ना मांगें तो इस एक्ट के साथ क्या क्या हुआ ऑल इंडिया फेडरेशन ये ऑल इंडिया फेडरेशन क्या है इसका क्या मतलब है सो so जैसा मैंने आपको बताया था ना एक भारत में वो क्षेत्र था जो अंग्रेजों ने जीत लिया था और वो अलग से थे जहां पे राजे राज करते थे तो अब यह कहा गया कि इस पूरे भारत को एक फेडरेशन में बांध देंगे ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट्स इनका मर्जर कर देंगे एक पूरा भारत बना देते हैं बताओ कैसे बनाना है कब बनाना है ठीक है हम तुम्हारी बात मान लेते हैं दूसरा एबॉलिश डायरकी इन द प्रोविंसेस एंड इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनोमी प्रांतों को काफी हद तक अपनी सरकारें खुद चलाने का अधिकार दे दिया जाएगा प्रोविंशियल डायरकी ख़त्म कर देते हैं वहां पे अब गवर्नरों के पास खास पावर्स नहीं देंगी सारी पावर्स हम इंडियंस को देने के लिए तैयार हो गए हैं आप करो अपनी मर्जी से अपने प्रांतों में काम हमें सिर्फ केंद्र में काम करने दो और केंद्र में भी डायरकी ले आते हैं गवर्नर जनरल के साथ भी भारतीयों को मंत्री बना देते हैं आपकी सलाह के मुताबिक काम करेंगे प्लीज़ हमें जाने मत दो हमें नहीं जाना इंग्लैंड हमें आपके पास रहना बड़ा मज़ा आ रहा है इंडिया में फिर बाय कैमरल लेजिसलेचर इंट्रोड्यूस कर दिया और एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कॉमनल रिप्रेजेंटेशन अब शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब और औरतों के लिए भी पृथक से इन्होंने वोटिंग की बात कर दी सेपरेट इलेक्टोरेट की इसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 में बनाने की बात कर दी गई इसके अलावा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल प्रोविंशियल एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशनस की भी बात की और एक फेडरल कोर्ट एस्टेब्लिश करने की बात की फेडरल कोर्ट भी बनेगा और साथ में आपके पास फेडरल प्रोविंशियल एंड ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन होंगे यहाँ पे पेपर होंगे आप आई एस वाई एस बनिए है ना आई एस वाई एस बनिए नेता बन के क्या करोगे वो बोला काम हमें करने दो तो किसी तरह से खुश कर रहे थे पर हम कहाँ अब खुश होंगे अब तो हमें आज़ादी चाहिए तो उसके लिए हमने लास्ट में नाइनटीन फोर्टी सेवन का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास करवा दिया और इसके साथ ब्रिटिश रूल का अंत हुआ गवर्नर जनरल वाइस रॉय साहब ने बोल दिया कि देश होगा आपका आज़ाद मजे लीजिए कीजिए। अब देखो, पिछले सालों में जो आए हैं, हैं? वो क्या मोन्टेगरेशन in तो मेड इसकी स्पेसिफिक डेट पूछी है और जो हमारी लक्ष्मीकांत सरवली बुक है उसमें तो डेट दी नहीं होती तो देखो ये ना अगस्त डेक्लेशन के नाम से भी जानी जाती है ठीक है राइट अगस्त डेक्लेशन एक ना चीज आपको याद रखनी है शन यह मोन्टेगो साहब ने 1917 में दी थी राइट यानी कि ना अब यह दो ऑप्शन हो सकते हैं यह दो ऑप्शन नहीं हो सकते सॉरी 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 अगस्त सारे ही अगस्त है लेकिन 1917 में दी थी तो यह दो ऑप्शन तो नहीं हो सकते अगस्त डेक्लेशन जो मोन्टेगो साहब की थी वो अगस्त 15 या 20 की बात है इसका आंसर आपको ढूंढना है ठीक है वेरी गुड विवेक एक्सीलेंट तो ये 20 अगस्त हो गया आंसर अब एक तो अगस्त डेक्लरेशन है 1917 की एक है अगस्त ऑफर वो 1940 में आया था वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे अगस्त डेक्लरेशन 1917 में और अगस्त ऑफर 1940 में तो ये ना पॉलिटी का क्वेश्चन तो हो ही सकता है पर ये तो हिस्ट्री का भी है तो हिस्ट्री वाले पार्ट में डेट्स के ऊपर भी एम्फेसाइज कर लेंगे एक चीज हो गई एक ऐसा क्वेश्चन दूसरा बाई विच एक्ट एन एलिमेंट ऑफ इलेक्शन वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम तो पहली बार इंडिया में इलेक्शन का एलिमेंट कहा से आया था 1892 के एक्ट के साथ वहां पे इनडायरेक्ट इलेक्शन आया था राइट एलिमेंट ऑफ इलेक्शन एटीन के एक्ट के साथ तो इसका आंसर भी बी बी बनता है राइट right? इसका आंसर भी बी बनता है फिर इसके बाद ये दो क्वेश्चंस आपके पिछले सालों के आए हुए हैं right? राइट अब आती है बात सेलिट फीचर्स की यहां से मैं कल स्टार्ट करूंगा सो बिफोर वी से बाय लेट्स टेक सम टाइम टू टेक यूर डाउट्स यूर प्रॉब्लम एंड यूर फीडबैक फॉर द क्लास सबसे पहले फीडबैक की बात करते हैं सो डिड यू लाइक दिस क्लासेस दिस क्लास आई मीन टूडेज क्लास कुड आई सर्व द पर्पज ज इट अप टू योर एक्सपेक्टेशंस नेचर लवर बेटा अभी आठ दिन तक दस दिन तक पॉलिटी चलेगी उसके बाद बताएंगे सो आई होप आप सब लोगों ने यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लिया टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लिया क्योंकि कुछ लोग बार बार पूछ रहे थे कि हम कैसे नोट्स मिलेंगे जैसे ही क्लास ख़त्म करूंगा मैं साथ ही साथ मैं टेलीग्राम में नोट्स शेयर कर दूंगा बट मैं एक रिक्वेस्ट और भी करूंगा आप लोग साथ साथ नोट्स बनाते जाना अपने हैंडमेड नोट्स का कोई सब्सिट्यूट नहीं होता तो मैं टाइम धीरे धीरे भी लगाऊंगा आगे जाकर जहां पे चीज़ें इंट्रीकेट होती जाएंगी मैं स्लो भी पढ़ाऊंगा मैं रिपीट भी करूंगा मैं डिक्टेट भी करूंगा तो आप इस चीज़ को ध्यान से देखते जाना समझते जाना लिखते जाना ठीक है एक चीज़ दूसरा टेलीग्राम ग्रुप में मैं टेस्ट भी शेयर करूंगा आपके लिए हिमाचल के नोट्स भी आएंगे करंट अफेयर्स भी आएंगे वी विल गिव यू एवरीथिंग ठीक है इस एग्जाम के लिए जो भी प्री के लिए सपोर्ट चाहिए होगा वो आपको हंड्रेड परसेंट देंगे जीएस के लिए राइट right? ये तो हो गया आपके पास सारा का सारा अब कि आपके पास जीएस के नोट्स कहां से आएंगे टेलीग्राम ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप का नंबर है टेलीग्राम ग्रुप का जो हमारा नाम है वो है राज मल्होत्राज आई आप उसको ज्वाइन कर लो राज मल्होत्राज आई को और साथ में यहाँ पर जो है यूट्यूब चैनल जो है राज मल्होत्राज आई जिस पे आप अभी ये लेक्चर देख रहे हो इसको भी सब्सक्राइब कर लो सो so दैट आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो राइट right? अब मैं वो नहीं बोलूंगा जैसे वो यूट्यूबर्स बोलते होते हैं कि बेलाइकन को दबाओ घंटा बजाओ वो वाला काम नहीं आप सिर्फ सब्सक्राइब कर लो वही सफिशियंट है बाकी आप समझदार लोग हो फ्री क्लास है रोज शाम को टू पढ़ाऊंगा फिर आपके आपके डाउट्स लिया करूंगा ठीक है सो so ये रहा आपके लिए आज का पहला लेक्चर अगर पसंद आया हो तो फीडबैक देने के लिए आपके साथ मैं अपना फोन नंबर शेयर कर रहा हूं लेकिन मैं पहले ही बता रहा हूं मैं किसी की कॉल नहीं उठाऊंगा कोई कॉल नहीं उठाऊंगा आपके पास फोन नंबर है जिसपे मेरा व्हाट्सएप है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो अपने मैसेजेस अपने डाउट्स अपने concerns, अपनी प्रॉब्लम्स जहां तक पॉसिबल होगा मैं उसको भी सॉल्व कर दूंगा तो मेरा नंबर है नाइन एट वन फोर सेवन वन वन सिक्स सिक्स वन सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करोगे आप अगर आपको कोई हेल्प चाहिए कोई प्रॉब्लम है लेकिन फोन कोई नहीं करेगा मैं फोन नहीं उठाऊंगा क्योंकि मैं थक गया हूं मैं सोऊंगा घर जाके ठीक है यस सार्थ शर्मा ही डिड गो फॉर सेकेंड सेशन ऑफ राउंड टेबल वो मैं हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा ऑल राइट सो अभी के लिए थैंक यू एवरी वन टेक केयर गॉड ब्लेस यू ऑल कीप वर्किंग हार्ड एंड लेट्स मेक ऑल ऑफ यू सक्सेसफुल इन यूर एच एस एग्जाम गॉड ब्लेस यू टेक केयर गुड नाइट मिलन जैन टेलीग्राम ग्रुप का नाम मैंने कहा के नाम से है आप उसको जाके ज्वाइन कर सकते हो नहीं तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा चलिए थैंक यू एवरीवन गॉड ब्लेस यू बाय बाय